ओके okay. uh, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी अः uh, चंद्रपुर गरिमा जेसीआई चंद्रपुर गरिमा को कि बहुत ही बढ़िया तरीके से आप सब तरंगी जो uh, उत्सव है वो मना रहे हैं एकजुट होके पूरी आपकी एल टीम जो है वो अच्छी तरीके से काम कर रही है तो मैं बहुत बहुत बधाइया देना चाहूंगी आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू और सेकेंड uh, वन है जो निधि टंडन मैम उनको भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी गौरी मैम uh, डॉक्टर रुजुता मैम उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी मोनिका जैन मैम उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी तो so, uh, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं लेट्स टू इट नाउ आई एम गोइंग टू शेयर स्क्रीन मैम okay. आपका इंट्रोडक्शन रह गया ना इट्स ओके okay, चलो कोई बात नहीं अह एक थोड़े से समय में हम कर लेंगे वो स्टार्ट मैम अभी कर लेते हैं ना ओके ओके चल ले मैम मुझे लगता है कर लेते हैं तो दो चार हाँ. मेंबर्स और ज्वाइन करेंगे तो हम नहीं हाँ. करेंगे आपका टॉपिक यस 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 डेफिनेटली राधिका कुछ हां राधिका आर यू रेडी अह यस मैम एम आई ऑडिबल Yes, Yes, yes. ma'am. Yes. Good morning, everyone. A warm welcome to one and all. It gives me immense pleasure to introduce our trainer for today, who is an MCOM graduate uh, with advanced accounting and has also completed internationally certified Montessori training. She is the director of visionary and missionary coaching class, Sai Samad Education Academy, which believes every child is different. Socially, she's an active member of Asami Group. She joined JCI in 2018, and within just three years, she became secretary of local organization in 2021. And in the very year, she graduated speechcraft and zone trainers workshop. She is married to Mr. Sunil Rokade and blessed with kids Saisha and Dhruv. On behalf of JCI Chandrapur Garima, I welcome you, ma'am. Thank you. थैंक यू वेरी मच मैम बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया है सो वंस अगेन थैंक यू थैंक यू वेरी मच नाउ हम स्टार्ट करते अभी सेशन को सो व्हाट इज माई मीन ग्रेटिट्यूड क्या है ये ग्रेटिट्यूड ग्रैटिट्यूड मतलब आभार प्रदर्शित करना या फिर प्रशंसा करना सो so, ये वर्ड बहुत छोटा है लेकिन काम बहुत बड़ा करता है हमारी जिंदगी में बहुत ऐसे सिचुएशन uh, आती है तब हम थैंक यू कहते हैं ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं ग्रेटिट्यूड uh, का मतलब है एहसान मंदी होना जैसे कि किसी के हम एहसान जैसे कि uh, बहुत बारी सी सिचुएशन आती है हम कृतज्ञता आभार मानते हैं किसी का धन्यवाद मानते हैं एहसान मन होते हैं प्रशंसा करते हैं सो so, हाँ, अब हम देखेंगे नेक्स्ट तो आपको ये क्या दिखाई दे रहा है कोई मुझे बता सकता है ये इमेज अब यस yes, डॉट दिखाई दे रहा है औ, और कोई बता सकता है मुझे क्या दिखाई दे रहा है इसमें तो दे 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 कोई बता सकता है मुझे सर्कल ओके सर्कल दिखाई दे, दे रहा है डॉट दिखाई दे रहा है और कुछ ओके so now I am going to tell you haircut. yes yes uh, very nice ma'am so देखो यहाँ पे एक circle है और एक circle circle पे dot है है ना तो सबसे पहले हमें क्या दिखा ये dot दिखा है ना तो वैसे ही हमारी जिंदगी होती है कि हमारी जिंदगी में जो हमारे पास नहीं है वो डॉट की तरह होता है और जो हमारे पास होता है वो तो बहुत सारा होता है लेकिन कभी उस चीज पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता बल्कि हमारा सबसे ज्यादा ध्यान जाता है वो डॉट पर क्योंकि वो निखर कर दिखता है ना कि ये चीज मेरे पास नहीं है ये वस्तु मेरे पास नहीं है, है ना तो ये ग्रेटिट्यूड हमें क्या सिखाता है जो एम टी सर्कल आपको दिखाई देता है जो चीज हमारे पास बहुत ज्यादा है नेचर की थ्रू है या फिर हमारे वेल्थ हो Uh, इसके थ्रू बहुत सारी ऐसी चीजें हमारे पास है लेकिन उसका एहसास अभी तक हमें नहीं हुआ है सो so, यू कि ग्रेटिट्यूड का मतलब है जो हमारे पास है उससे हमें क्या करना चाहिए धन्यवाद मानना चाहिए कृतज्ञ होने चाहिए या फिर अः uh, एहसान मंदी हम उसको कहते हैं एहसान भगवान का मानना चाहिए कि वो चीज हमारे पास है तो लाइफ तो यही सिखाती है हमें भगवान भी यही कहते हैं जो तुम्हारे पास है पहले उसको आप क्या करो एक्सप्रेस करो ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करो कि भगवान आपने मुझे ये दिया है थैंक यू वेरी मच लेकिन हम वो डॉट पर अटके रहते हैं कि ये मेरे पास नहीं है मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए और वो डॉट ही ऐसा काम करता है कि जितना भी हमारे पास हो उसका एहसास हमें कभी नहीं होता है फिर सो so, वाई वो गो टू टेम्पल हम टेम्पल में क्यों जाते हैं मंदिर में क्यों जाते हैं हम कोई बता सकता है मुझे कि हम मंदिर में क्यों जाते हैं? क्या मंदिर में क्यों जाते हैं? क्या वजह है क्या हम मंदिर में जाते हैं आज हनुमान जयंती है आज तो सभी जाएंगे ना एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड यस एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड बहुत अच्छा uh, बोला है मैम आपने लेकिन बहुत हम, बार हम क्या करते हैं हम बहुत सी बार इसलिए भी जाते हैं कि जब हमारा कुछ काम नहीं होता है यस एग्जैक्टली एग्जैक्टली आई एम सेइंग टू यू बहुत बार मतलब नाइन्टी परसेंट लोग क्यों जाते हैं कि भगवान मेरा ये काम कर दो भगवान मेरा वो काम कर दो बहुत कुछ होता है लेकिन हम एड ऑन करते रहते हैं कि नहीं मुझे ये भी चाहिए मुझे वो भी चाहिए और कई बार हम सोचते भी है कई बार हम सोचते भी है कि नहीं आज मैं भगवान से कुछ नहीं मांगूंगा आज मैं सिर्फ धन्यवाद करूंगा भगवान से कि भगवान तुमने मुझे बहुत कुछ दिया है आज कुछ नहीं मांगूंगा और जब हम मंदिर में जाते हैं भगवान को प्रणाम करते हैं और जब प्रणाम करते समय जब मतलब जब हम बाहर निकलते हैं जब चप्पल पहनते हैं तो एक नजर फिर से हम मंदिर की तरफ देखते हैं और एक लास्ट विश हम उसको बोल देते हैं कि क्या बोलते हैं कि भगवान मेरी वो फाइल अटकी हुई है बस उतना काम कर देना बाकी तो सब ठीक है मेरा तो भगवान सोचता है कि अरे इस बंदे को मैंने सब कुछ दिया है जो दिया है उसका वो ऐसा मन तो कभी नहीं होता है धन्यवाद तो कभी नहीं मानता है लेकिन जाते समय उसने एक तो बात मुझसे कही दी तो ये तो मनुष्य का नेचर है ये स्वभाव है कि हम जो हमारे पास नहीं होता है ना उसकी तरफ ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं और जो है उसकी हम कदर नहीं करते हैं सो नेक्स्ट हम देखेंगे तो आप मुझे बताइएगा किस पिक्चर में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है कोई मुझे बताएगा फर्स्ट पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है एनी बड़ी टेल्थ मी कोई बता सकता है मुझे फर्स्ट पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है आपको निधि मैम आप बता सकती है जी मैम अह व्हीलचेयर पे कोई है शायद उनको ओके okay, व्हीलचेयर पे कोई है अह uh, मैम आप किसी का स्पीकर स्टार, चालू है करके आप uh, अनम्यूट कर दीजिएगा आपको कोहर्ट बना दिया है मैंने सो so, देखो फर्स्ट पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है आपको एक लेडीज है एक पर्सन है जो अपने आप कुछ नहीं कर सकता है वो व्हील चेयर पे बैठा हुआ है से थैंक यू भगवान भगवान हमें भगवान को थैंक यू कहना चाहिए कि कि जैसे इस व्यक्ति को किसी की की सपोर्ट जरूरत है लेकिन भगवान मुझे किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं है क्या हमें इस बात के लिए भगवान को थैंक यू कहना चाहेंगे यस डेफिनेटली वी शुड से थैंक यू टू गॉड एटलीस्ट इस बात के लिए हमें भगवान से थैंक यू कहना चाहिए कि मुझे आज सपोर्ट की जरूरत नहीं है मैं अपने आप आ जा सकता हूँ घूम फिर सकता हूँ मैं किसी पर डिपेंड नहीं हूं so ये तो बहुत बड़ी बात हो गई ना अगर हम सेकेंड पिक्चर में देखते हैं तो एक छोटी सी बच्ची है दस ग्यारह साल की जो ब्लाइंड है भगवान ने हमें आंखें दी है इतनी सुंदर आंखें दी है जो हम पूरे संसार को देख सकते हैं संसार में भरा हुआ बहुत अच्छा अच्छी अच्छी चीजें हैं जो आज हम देख रहे हैं इसकी वजह से हमारी आंखें ना इसलिए लेकिन इस छोटी सी बच्ची की आंखें नहीं है तो क्या हम इस वजह के लिए भगवान के लिए भगवान से हम थैंक यू नहीं सकते? Yes, थैंक्यू कह सकते यस डेफिनेटली हम थैंक यू कह सकते हैं क्योंकि हाँ भगवान तुमने मुझे ये आंखें दी है कि जिसकी वजह से मैं इतना सुंदर जो संसार तुमने बनाया है उस संसार को मैं आज देख सकती हूँ अगर आप तीसरा पिक्चर देखेंगे तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो भूख के लिए तरस रहे हैं खाने के लिए तरस रहे हैं आज हमारी थाली में बहुत अच्छा सा खाना हमें मिलता है माँ गर्मा गर्म परोसती है बच्चों को पूरे परिवार को आज मैं अच्छे से भरपेट खा रहा हूँ कोई देगा और फिर मैं खाऊंगी ऐसा तो सिचुएशन आज नहीं है हमारी तो इनसे तो बेहतर सिचुएशन है हमारी मुझे अच्छा खाना मिलता है मुझे बासी खाना नहीं मिलता है मुझे ताजा खाना मिलता है तो इस चीज के लिए हमें भगवान से थैंक यू कहना चाहिए नहीं यस हमें कहना चाहिए सो so, अगर आप नेक्स्ट पिक्चर देखोगे तो क्या आपको लगता है इस पिक्चर को देख के कोई बता सकता है मुझे क्या नेहा मैम आप बता सकती है मुझे Oh, उसके पास घर नहीं, okay. नहीं, yes, नहीं है तो इसके पास घर नहीं है ये रास्ते पर रह रहा है तो हमारी परिस्थिति तो इससे बहुत अच्छी है हम होमलेस नहीं है एक पैरासा सा घर है जहाँ पर पैर से लोग रहते हैं, जो आपका इंतजार करते हैं सो वी शुड से थैंक यू टू गॉड आई अ होम आई अ लवली पर्सन तो इस चीज के लिए हम भगवान से थैंक यू नहीं कह सकते yes, definitely हम कह सकते हैं so, क्या दिख रहा है आपको कोई मुझे बता सकता है ये आ, कौन सी व्यक्ति है कोई मुझे बताएगा नेहा मैम आप बता सकती है गौरी मैम निधि मैम आप बता सकते यस yes, ये मदर टेरेसा है और, और किस वजह से ये ज्यादा फेमस है कोई बता सकता है मुझे मैम शी हेल्प द रिप्रेसी पेशेंट्स उन्होंने उन व्यक्तियों का इलाज किया जिनको समाज ने पूरा कट कर दिया आउट थ्रो कर दिया ओके ओके अनसिएबल्स थे जिनको कोई देखता नहीं था क्योंकि okay. उन्होंने की वो भी अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में ओके okay. सो so, uh, बहुत बढ़िया जवाब दिया मैम अपने थैंक यू वेरी मच तो ये मदर टेरेसा है जो अनाथ बच्चों को uh, संभालती है तो ये चीज तो देखकर हमें एक तो ऐसा हुआ होगा कि आज हमारे पास मां-बाप है uh, एक लवली मदर है फादर है जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं आज 24 घंटे कभी भी मुझे माँ की याद आती है तो वो मेरे लिए अवेलेबल होती है कभी भी पापा की याद आती है तो 24 घंटे में वो अवेलेबल होते हैं मेरे लिए तो ये भी एक धन्यवाद कहने की गोष्ट मतलब बात है कि जिसकी वजह से हम भगवान को धन्यवाद कह सकते हैं कि यस आई हैव लवली मदर एंड फादर मुझे ऐसे पेरेंट्स है जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं मैं अनाथ नहीं हूँ तो इस एक वजह से हम भगवान को थैंक यू कह सकते ना कह सकते ना सो नेक्स्ट पिक्चर में हम देख रहे कि एक जो लेडीज है जो भीख मांग रही है उसके पास ना घर है ना परिवार है ना कुछ भी नहीं है तो हमारी सिचुएशन तो इससे बहुत बढ़िया है हमारे पास घर है हमारे पास माँ बाप है अच्छा फूड है ये सारी चीजें हमें भगवान ने बहुत अच्छे तरीके से दी है तो इन सब चीजों के लिए हम भगवान से थैंक यू कहेंगे ना यस yes, डेफिनेटली हम कहेंगे क्योंकि ये सारी चीजें हमारे पास है बस एक डॉट ही ऐसा है ब्लैक वाला जिसके पीछे हम जिंदगी भर भागते रहते हैं कि बस ये चीज मेरे पास नहीं है और बाकी सारे व्हाइट पेपर को हम भूल जाते हैं व्हाइट सर्कल को हम भूल जाते हैं लेकिन जो ब्लैक डॉट है ना उसके पीछे हम पूरी जिंदगी भागते रहते हैं तो हम आगे नेक्स्ट देखेंगे तो ये पिक्चर देख के आपको क्या समझ में आ रहा है कोई बता सकता है मुझे तो देखो पहले जमान के जमाने में टाइम में ग्रेटिट्यूड किससे होता था बच्चे जब सात आठ साल के जब हो जाते थे तो उनको गुरुकुल में भेजा दिया जाता था भेज दिया जाता था और आ, बड़े अच्छे संस्कार बच्चों पे होते थे ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कैसी करनी है और धन्यवाद कैसे माना जाता है वो उनके गुरु उनको बहुत बढ़िया तरीके से सिखाते थे लेकिन आजकल जैसे कि मैम ने कहा डॉक्टर मैम ने कहा कि आजकल के बच्चों को ग्रेटिट्यूड सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है थैंकफुलनेस उनमें थोड़ा सा कम है क्यों बहुत सारी चीजें बिना मांगे उन्हें मिल जाती है इसलिए उनको ग्रेटिट्यूड कैसे किया जाता है ये पता ही नहीं है अगर आ, देखा जाए तो पहले के जमाने में हम क्या करते थे जब जब हम सुबह सुबह उठते थे तो जमीन को नमस्कार करते थे है ना कि हे नीमा माता आज तुम्हारे ऊपर मैं खड़ा हूँ आज तुम हो इसलिए मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो सबसे पहले नमन तो हम जमीन को करते थे धरनी माता को करते थे उसके बाद जब स्नान करते समय जब Uh, सूर्य देवता को हम नमन करते थे एक ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते थे कि हे सूर्य देवता आज तुम हो इसलिए हमारी पूरी जिंदगी है ये ब्रह्मांड है तुम इसे ही चल रहा है हम तुम्हारे ही अंश है तो इसको एक ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस किया जाता था है ना अगर आप याद करेंगे महाभारत में अभी तो कोई करता नहीं है शायद थोड़े बहुत लोग करते होंगे लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में इतना टाइम किसको है कि हम सूर्य को अर्घ दें उसको पानी दे उसको ग्रेटिट्यूड करें नहीं इतना वक्त हमारे पास सो so, अगर हम सोचे तो हम सभी चीजों को ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं, आभार प्रदर्शित कर सकते हैं, उसके बाद जब हम खाना पकाते थे पहले के जमाने में तो सबसे पहला निवाला जो था वो अग्नि को दिया जाता था और उसके बाद हम प्रेयर करके भोजन करते थे तो दिस इज द वन ऑफ द टाइप ऑफ ग्रेटिट्यूड जो पहले के जमाने में किया जाता था ग्रेटिट्यूड वो आज कहीं पे खोया हुआ है आज हमें इतना वक्त नहीं है कि हम किसी को ग्रेटिट्यूड कर सके क्योंकि हम उन चीजों को कंसिडर ही नहीं करते है इट्स ओके चलता है टाइम नहीं हमारे पास उतना कि हम इन सब सबको ग्रेटिट्यूड करें ये हमारे लिए अभी इनविजिबल हो गई है है ना मेटेरियलिस्टिक थिंग से हम उसको जोड़ दिया है अभी सो नेक्स्ट हम देखेंगे अभी मुझे बताओ ऐसे कौन कौन से फील्ड है जहां पर ग्रेटिट्यूड होना बहुत जरूरी है कोई मुझे बताएगा गौरी मैम निधि मैम क्या बता सकती है आप ऐसे कौन कौन से क्षेत्र है कि जिनमें ग्रेटिट्यूड होना जरूरी है इस लगभग सभी क्षेत्र में ग्रैटिट्यूड होना बहुत जरूरी है चाहे वो रिलीजियस uh, हो या साइंस हो या फिर बिजनेस हो आपका या फिर स्पिरिचुअलिटी हो ये तो मतलब इन अगर इन चारों को छोड़ दिया जाए तो बाकी और अलग कुछ हम कह नहीं सकते तो रिलीजन हुआ साइंस हुआ बिजनेस हुआ या फिर आपका स्पिरिचुअलिटी हुआ इन सारे फील्ड में हमें ग्रैटिट्यूड होना क्या ग्रेटिट्यूड मानना बहुत जरूरी है सो नेक्स्ट हम देखेंगे जैसे कि हमने देखा कि सभी क्षेत्र में हमें ग्रेटिट्यूड करना बहुत जरूरी सो वॉट इज माई मीन ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड का मीनिंग क्या है आपके हिसाब से क्या हो सकता है मीनिंग कोई बताएगा मुझे कि ग्रेटिट्यूड मतलब क्या होता है एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड मतलब आभार प्रदर्शित करने का नजरिया एटीट्यूड मतलब आपका नजरिया तो क्या होता है ग्रैटिट्यूड कोई मुझे बताएगा गौरी मैम निधि मैम क्या बता सकती है आप अगर आप सब वीडियो ऑन करेंगे तो आई थिंक सो हम कनेक्ट कर सकेंगे यस गौरी मैम आप बता सकती है वॉट इज मैम इन ग्रैटिट्यूड ओके आप शायद हाँ हेलो ओके बोलिए यस यस मैम बोलिए मतलब अपना आभार व्यक्त करना किसी चीज के लिए या फिर थैंकफुल होना हमें ये सारी चीजें मिली है ओके सो okay. so, uh, आपका मानना है कि जो चीजें हमें मिली है उनके लिए थैंकफुल होना थैंक यू वेरी मच मैम थैंक यू वेरी मच चलो अब हम देखेंगे देर इज सो मच गुड थिंग्स इन इन द वर्ल्ड एंड इट्स ऑल वी गॉट विदाउट आस्किंग ऐसी यूनिवर्स में बहुत सारी ऐसी चीज है इस वर्ल्ड में जो हमें बिना मांगे मिली है क्या अभी सोच रहा है कभी आपने कि जब आप सुबह उठते तो सूरज देवता आ जाते हैं उन्हें बुलाना पड़ता है नहीं वो अपने आप आ जाते हैं सन है मून uh, है, है हवा है तारे हैं बहुत सारी ऐसी यूनिवर्स में चीजें हैं हम ब्रीदिंग करते हैं ये जमीन है मिट्टी है ये सब गुड थिंग्स है अच्छी अच्छी चीजें हैं और हमारे आजू बाजू है लेकिन कभी हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं सो गॉट विदाउट आस्किंग ये सब हमें बिना मांगे मिला है इसके लिए हमें पे करना पड़ता है नहीं हमें इसके लिए पे नहीं करना पड़ता है लेकिन कभी हम उसका शुक, शुक्र गुजार नहीं होते हैं या फिर शुक्रिया हम नहीं करते उन चीजों का कभी क्योंकि हमारा ध्यान ही नहीं जाता है हम ब्रीथ करते हैं हम प्लांट्स को देखते हैं अच्छा लगता है ना बहुत अच्छा लगता है जब हम गार्डन में जाते हैं अच्छे अच्छे फूल देखते हैं बटरफ्लाइज देखते हैं कुछ एनिमल्स सभी के घर में होंगे एनिमल्स भी हैं, ये सब गुड थिंग्स जो आजू बाजू है और हमें वो एक मॉरल सपोर्ट की तरह काम करते हैं हमारे लिए है ना सो वी हैव लॉट ऑफ गुड थिंग्स अस विच मेकिंग अवर लाइफ एक्सेसिबल एंड ईजी कभी आपने सोचा नहीं होगा जब आप सुबह उठते हो तो गर्म पानी आपको इजीली मिल जाता है किसकी वजह से गीजर होगा या फिर और कुछ होगा है ना आपके पास गैस होगा उस पर आप पानी गर्म करते हो तो ये सारी जो छोटी छोटी चीजें आपके घर में मिक्सर होगा वॉशिंग मशीन होगा कूलर होगा फैन होगा आपकी गाड़ी है फोर व्हीलर हो या टू व्हीलर हो जिसकी वजह से आपकी लाइफ बहुत इजी बन जाती है इमेजिन कीजिएगा अगर एक दिन आप आपके पास गाड़ी नहीं है या फिर पेट्रोल नहीं होगा तीन दिन पेट्रोल बंद होगा आठ दिन पेट्रोल बंद होगा क्या क्या हो जाएगा आपकी लाइफ ईजी हो जाएगी नहीं आपकी लाइफ बिल्कुल ईजी नहीं हो जाएगी तो ये सारी छोटी छोटी चीजें ऐसा कुछ नहीं कि थैंक यू आप ह्यूमन बींग्स के लिए कर सकते हो या फिर ऐसी चीज के लिए कर सकते हो कि जो जिंदा है नहीं आप ऐसी भी चीज के लिए थैंक यू कह सकते हो जैसे कि जो निर्जीव है फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगी आ, जब कभी आप फोर व्हीलर या कुछ भी वाहन आप लाते हो आपके घर में फोर व्हीलर हो टू व्हीलर हो बड़ी सी गाड़ी लाते हो तो सबसे पहले आप क्या काम करते हो कोई मुझे बताएगा आप क्या काम करते हो सबसे पहले निधि मैम आप बता सकती है नेहा मैम पूजा करते हैं है यस yes, हम पूजा करते हैं है ना तो हम पूजा करते हैं क्यों करते हैं हम पूजा क्यों करते उसके पीछे पीछे रीजन रीजन क्या है क्या कारण है कि हम पूजा करते हैं और फिर उसको चलाते हैं यस yes, जैसे कि सर ने कहा कि हम पूजा करते हैं क्यों करते हैं कि हम उसको लक्ष्मी मानते हैं और जब ये हमारे घर में आएगी तो ज्यादा से ज्यादा हम, हमारी समृद्धि बढ़ जाएगी हमें सक्सेस ज्यादा मिलेगा हम उसको एक पर्सन की तरह ट्रीट करते हैं है ना तो इन चीजों का भी हमें क्या करना चाहिए धन्यवाद देना चाहिए आभार प्रदर्शित करना चाहिए चलो नेक्स्ट हम देखेंगे अभी मुझे बताओ ऐसी कौन सी चीजें हैं व्हिच थिंग्स मेक्स यू ग्रेटफुल ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको ग्रेटफुल बनाती हैं यस yes, मैं इस चीज के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा भगवान को ऐसी कौन सी चीजें हैं कोई मुझे बताएगा नेहा मैम अह गोरख सर आप बताइए हां रानी सर यस मैम भगवान मुझे मेरी पूरी याददाश्त के साथ मुझे उठाता है यस yes. ओके okay, ये मेरे लिए बहुत ग्रेट चीज है एंड आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड ओके सब याददाश्त सब मेमोरी के साथ मुझे नींद में से उठाता है और पूरा दिन में जो भी कुछ मैंने अभी तक किया है वो सब एक्सपीरियंस मेरे साथ लेके मैं काम करता हूँ दिन भर That is the great thing. Yes, thank you very much, sir. Thank you, Gorak sir. सो so, uh, जैसे कि सर ने कहा कि भगवान मुझे पूरी याददाश्त के साथ मुझे उठाता है कभी ऐसा भगवान नहीं करता है कि चलो uh, कल का दिन हो गया तो कल का फिनिश हो गया क्लोज हो गया अभी न्यू डे न्यू थिंग्स ऐसा कभी होता नहीं है जो रिमेम्बर होता है मतलब जैसे कि हमारे uh, बहुत सारे माइंड में थिंग्स होते थॉट होते है तो वो नेक्स्ट डे कंटिन्यू होते है

नहीं ये सारी चीजें है मेरे पास सो नेक्स्ट वन हाउस टू क्लीन मुझे घर का सारा काम करना पड़ता है मुझे अकेले साफ करना पड़ता है लेकिन ये चीजें हम भूल जाते हैं कि यू हैव सेफ प्लेस टू लीव तुम्हें सेफ प्लेस है तुम्हें घर है इसलिए तुम्हें क्लीन करना पड़ता है सो यू हैव टू से थैंक यू एंड ग्रेटफुल फॉर हाउस ऑल्सो लॉन्ड्री टू डू मुझे रोज कपड़े धोने पड़ते हैं सब कुछ करना पड़ता है लेकिन हम एक बार भी नहीं सोचते हैं कि मुझे एटलीस्ट वेयर करने के लिए कपड़े तो है बहुत बार हम इन चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं और ध्यान से हट जाता है हमारे की यस आई हैव दिस मुझे मेरे पास है ये सो डर्टी डिशेस बहुत बार हम कहते हैं कि ये सब मुझे ही करना पड़ता है खाना भी बनाओ ये गंदी डिशेस भी मैं मैं ही धो बहुत बार हम कहते हैं ना इसे तकरार करते रहते हैं सेटिस्फेक्शन नहीं होता है हमें किसी चीज में कि यही मैं करूँ क्या तो ये चीज हम नजरअंदाज कर देते हैं कि फूड टू ईट अरे मेरे पास फूड तो है एटलीस्ट खाने के लिए इसलिए तो मेरी डिशेस गंदी होती रहती है अगर खाना नहीं होता तो मेरी डिशेस गंदी होती नहीं होती सो so, इस बात के लिए हमें भगवान से थैंक यू कहना चाहिए कि भगवान मुझे तू रोज खाना तो एटलीस्ट देता है ना खाना खाने तो मुझे मिलता है ना तो इस बात के लिए हमें भगवान से थैंक यू कहना चाहिए ग्रोसरी शॉपिंग टू डू बहुत सारी लेडीज कहती है कि अरे ये भी मुझे करना पड़ता है ग्रोसरी भी मुझे लानी पड़ती है साफ करके मुझे ही सब कुछ करना पड़ता है लेकिन एक बात हम सोचना भूल जाते हैं कि यू हैव मनी टू यूज आपके पास पैसा है इसलिए आप वो शॉपिंग कर सकती हो अगर पैसा नहीं होता तो आप शॉपिंग करती यस नहीं करती टॉयलेट टू क्लीन ये भी मुझे साफ करना पड़ता है लेकिन ये बात हम भूल जाते हैं कि हमारे पास इंडोर प्लम्बिंग है हमें आउटडोर नहीं जाना पड़ता है बहुत छोटी छोटी चीजें है घर में जो हम नजरअंदाज करते हैं भगवान ने बिना मांगे हमें दी है सो वी से थैंक यू लॉर्ड्स ऑफ नॉइज बहुत सारी लेडीज या फिर पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे घर में बहुत नॉइज होता है मेरे घर में बहुत शोर शराबा होता है लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वी हैव किड्स टू हैविंग फन मुझे बच्चे हैं जो फन करते हैं सो दिस इज हाउ गेटिंग इन टू बेड टाइड बहुत सारी लेडीज कहती है या पेरेंट्स भी कहते हैं सभी व्यक्ति कहते हैं कि मैं जब बेड में जाता हूँ तो बहुत थका आ रहा होता हूँ ये तो साइन है कि तुम अलाइव हो तुम जिंदा हो क्योंकि जो मुर्दा आदमी होता है है ना तो वो कभी टायर्ड नहीं होता है वो कभी थकता नहीं है क्योंकि वो अलाइव नहीं होता है वो जिंदा नहीं होता है आप जिंदा हो इसका शुक्रिया करो कि आप थके हो क्योंकि आप जिंदा हो सो so, नेक्स्ट चलो आप हम देखेंगे कि आर यू अलाइव एक बार क्या हुआ जैसे कि एक व्यक्ति था जो ऑफिस में काम करता था तो ऑफिस में खिड़की के बाहर उसने देखा कि एक भिकारी जो है वो भीख मांग रहा था तो उसने सोचा कि अरे मेरी जिंदगी बहुत अच्छी है कि एटलीस्ट मैं भीख तो नहीं मांग रहा हूं ना तो फिर भिकारी ने सोचा एक पागल उसके सामने से गुजर रहा था और उसने देखा कि अरे इससे तो अच्छी मेरी जिंदगी है मैं भीख मांग रहा हूं लेकिन इसकी तरह मैं पागल तो नहीं हूं फिर पागल ने सोचा उसके सामने एक जा रहा था तो उसने सोचा कि ठीक है मैं पागल हूं okay, नहीं हूं कि मुझे किसी का सपोर्ट लेना पड़े तो उसने भी थैंक यू कहा कि हे भगवान मैं इसकी तरह तो नहीं हूं एटलीस्ट मैं पागल हूँ लेकिन किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं है मुझे मैं अपने आप चल सकता हूँ फिर सकता हूँ और जब ये पागल ने देखा जब इस अपाइज लोग ने अपाइज अपाइज व्यक्ति ने देखा कि एक उसके सामने से मौत जा रही थी वो आदमी मर चुका था तब उसने सोचा कि हे भगवान कि चाहे मुझे तुमने तूने मुझे अपाइज कर दिया कोई बात नहीं लेकिन आज मैं जिंदा तो हूं तो अग, आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ आर यू अलाइव देखो यहाँ पे कैसा है कि आ, इस व्यक्ति ने थैंक्स कहा भगवान को है ना जो ऑफिस में काम करता था एक भिकारी है उसने भी थैंक्स कहा एक पागल है उसने भी थैंक्स कहा, एक हैंडीकैप था उसने भी थैंक्स कहा लेकिन ये मरा हुआ आदमी थैंक्स कह सकता है नहीं कह सकता तो इसका मतलब है जब आप अलाइव हो तो आपको थैंक थैंक्स कहना जरूरी होता है चाहे वो भगवान हो नेचर हो यूनिवर्स हो कुछ भी हो क्योंकि ये जिंदापन की निशानी होती है जब आप किसी को थैंक यू कहते हो तो आप जिंदा होते हो और जब आप किसी को थैंक यू नहीं कहते हो तो आप जिंदा नहीं होते हो सिर्फ आपका शरीर चलता है क्योंकि एक मुर्दा आदमी किसी को थैंक यू नहीं कह सकता सो माई क्वेश्चन इज आर यू लाइफ क्या आप जिंदा हो अगर जिंदा हो तो आप आज से ही थैंक यू कहना शुरू कर दो अभी एक छोटी सी आ, एक्टिविटी हम करेंगे कि मुझे ऐसे सॉन्ग आप बताइएगा कि जिसमें शुक्रिया ये वर्ड आता है ओके टेक योर टाइम और आप मुझे बता सकते हैं ऐसा कौन सा सॉन्ग है कि जिसमें शुक्रिया वर्ड आता है ऐसा कौन सा है सॉन्ग की जिसमें शुक्रिया वर्ड आता है कोई मुझे बता सकता है मैम निधि मैम ऋतुजा मैम मैम एक है ना शु, शुक्रिया मेहरबानी करम एक एक और गाना है सौ बार शुक्रिया ऐसा और एक गाना है मुझे एक्चुअली बड़ी पता पर है दो तीन सॉन्ग है ओके okay. और कोई बता सकता है कि जिसमें शुक्रिया वर्ड आता है ऐसा कोई सॉन्ग मुझे बताइएगा आप एहसान तेरे दिल पे मेरे हे गाना है ओके ओके वेरी नाइस बहुत अच्छा है और कोई बता सकता है कि जिसमें शुक्रिया वर्ड आता है ऐसा सॉन्ग कोई बता सकता है निधि मैम गौरी मैम नहीं मैम मुझे तो याद नहीं आ रहा ओके okay, याद नहीं आ रहा है गौरी मैम आपके दिमाग में कोई आ रहा है नहीं आ रहा है ओके okay, कोई बात नहीं लेकिन जिन्होंने भी ये दो गाने बताए बहुत ही बढ़िया गाने हैं सो so, शुक्रिया आप आज से वो जो सॉन्ग है शुक्रिया वाला आप ढूंढिए आज कि कौन से ऐसे सॉन्ग है कि जिसमें शुक्रिया ये वर्ड आता है कोई और बताएगा मुझे कोई बता सकता है कि शुक्रिया कौन से सॉन्ग में आता है ऐसे कौन सा सॉन्ग है कि जिसमें शुक्रिया आता है सुनील सर आप बता सकते एक्चुअली मुझे गाने का मतलब लिरिक्स तो याद नहीं है बट आई थिंक ऐश्वर्या का सॉन्ग है uh, शुक्रिया शुक्रिया कुछ ओके ओके कोई बात नहीं लेकिन देखिएगा शुक्रिया गाना आपको फाइंड नहीं हो पा रहा है तो हमें शुक्रिया करने की कितनी जरूरत है आज हम देख सकते हैं नेक्स्ट हम देखेंगे सो so, बी थैंकफुल टू लर्न टू बी ग्रेटफुल फॉर द थिंग्स यू हैव यू विल नॉट रिसीव दिंग्स यू वॉन्ट जैसे कि यहाँ पे कहा है ये जॉन कार्लिक है एक लॉयर है और एक ऑथर भी है ये राइटर भी है उन्होंने एक बुक लिखा है एक्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड तो उनका एक छोटा सा एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया था कि वो जिंदगी में बहुत परेशान थे Uh, जैसे उन, उन्हें चाहिए थी वैसे जिंदगी वो नहीं बिता पा रहे थे uh, फैमिली में भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे थे बिजनेस में भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे थे जो रिलेशनशिप जो थे उनके फैमिली के रिलेशनशिप और दर रिलेशनशिप वो पूरे uh, मतलब खराब हो चुके थे तो उन्होंने सोचा कि उनकी पत्नी उनके बच्चे उनसे छड़ गए थे या फिर नाराज रहने लगे थे तो जैसा वो चाहते थे वैसी जिंदगी वो नहीं बिता पा रहे थे तो उन्होंने सोचा कि चलो हम आज ट्रेकिंग के लिए जाते हैं जब वो ट्रेकिंग के लिए जाते हैं तो वो रास्ता भूल जाते हैं और एक जंगल की तरफ जाते हैं और जंगल की तरफ जब जाते हैं तो उनके मन में ये ख्याल आता है कि मेरी जिंदगी में ये क्या हो रहा है जैसा मैंने सोचा था तो वैसे तो जिंदगी में नहीं जी रहा हूं अब यही होना बाकी था क्या पत्नी छोड़ के चली गई बच्चे छोड़ के चले गए बिजनेस में भी लॉस हुआ और आज मैं इस जंगल में फंसा हुआ वो। और मुझे रास्ता भी नहीं मिल रहा है तो एक इनर वॉइस उनसे बोल रहा था जहां पर वो अटके हुए तो वो पूरा नेचर था तो वो नेचर उनसे कह रहा था एक वॉइस उनके कान में आ गई कि जो तुम्हारे पास है until you learn to be grateful for things you have, जब यू लर्न टू बी भी यू है उसको आप थैंक यू नहीं बोलोगे तब तक तुम्हें जो चाहिए वो कभी भी नहीं मिलने वाला बस इतना छोटा सा जो वर्ड है जो सेंटेंस है उनके कान में घूम रहा था और वो सोच में पड़ गए कि क्या ये सही है क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या मैं ग्रेटिटफुल ग्रेटफुल नहीं हूं उन चीजों के लिए जो मुझे पसंद है या फिर जो मेरे पास है तो बहुत सोचा उन्होंने जब वो घर लौटे तो उन्होंने जो चीजें उनके पास है वो लिखने लगे वो याद करने लगे ऐसी कौन सी चीजें मेरे पास है कि जिसके लिए मैं ग्रेटफुल बन सकता हूँ तीन महीने हो गए छह महीने हो गए एक साल बीत गया लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा लेकिन फिर भी उन्होंने उनकी ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस जो है वो उन्होंने शुरू कर दी जो रूठा हुआ उनका बेटा था उनके पास वो चले गए उसको थैंक यू कहा कि मेरे बुरे समय में तुमने मुझे बहुत साथ दिया और कमाल की बात ये तो हो गई कि उनका बेटा उसके बाद जब उन्होंने ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस किया ये बात भी बहुत बढ़िया है कि जब आप किसी से किसको ग्रैटिट्यूड कहना चाहते हो तो सबसे पहले आपको कहना बहुत जरूरी है मन में नहीं रहना है तो वो कहना बहुत जरूरी है जब उन्होंने उनके बेटे से कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ आप घर वापिस आ जाओ तो दूसरे ही दिन उनका बेटा वापिस आ गया उसके साथ उनकी पत्नी भी आ गई और फिर से आ, उनका जो हैप्पी फैमिली थी वो फिर से आ, मतलब जो रिश्ते उनके बिगड़ गए थे वो फिर से बनने लगे एंड आफ्टर दिल है पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड वो रोजाना वो प्रैक्टिस करते रहते थे जो कुछ भी अच्छी अच्छी चीजें उनके लाइफ में होती थी वो जस्ट नोट डाउन करते रहते थे और थैंक यू कहते थे कि थैंक यू भगवान आज तुमने मुझे ये दिन दिखाया आज इस पर्सन से मुझे मिलाया चीजों का मुझे उपयोग हुआ वो सब ग्रेटिट्यूड वो करते थे प्रैक्टिस करते थे और बाद में उन्हें पता चला कि बस ये कमाल तो मेरे ग्रेटिट्यूड का ही है सो नेक्स्ट हम देखेंगे क्यों जरूरत है कोई मुझे बताएगा ग्रेटिट्यूड की क्यों जरूरत है हमें क्यों हमें ग्रैटिट्यूड करना चाहिए वैसे भी तो हम जिंदगी जी रहे हैं ग्रेटिट्यूड क्यों जरूरत है हमें क्यों जरूरत है ग्रेटिट्यूड की

Okay. मतलब रोशनी अगर अगर भी मिल रही है तो रोशनी की वजह से हम ग्रो हो रहे हैं मोड ऑफ गिविंग रिस्पेक्ट एंड रियलाइजिंग थैंक यू मैम जैसे की मैम ने कहा की कि हमें किसी चीज को ग्रांटेड uh, नहीं लेना है उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए तो आजकल आप देखेंगे कि मनुष्य बंदर से मनुष्य को मतलब बंदर से मनुष्य होने में बहुत साल लगे है ना? बहुत साल लगे हमें ऐसे हमने डेवलपमेंट की लेकिन एक इंसान को बंदर बनने में कुछ वक्त भी नहीं लगा सो so, आज अगर आजकल हम देखेंगे तो हम आउटसाइड कुछ अलग होते हैं और इनसाइड कुछ अलग होते हैं बहुत सारी प्रगति हमने की है सक्सेसफुल हमें मिला है सक्सेस हमें मिला है चांद पर हम जा चुके हैं मंगल पर जा चुके हैं पूरी विश्व पूरी दुनिया हमारी मुठ्ठी में है आज लेकिन आप फिर भी आउटसाइड हम अलग होते हैं इनसाइड अलग होते है इनसाइड में बहुत सारी एनबी मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं होता है आ, फियर होता है एंगर होता है कि जिसकी वजह से ग्रेटिट्यूड आज जो मनुष्य है बाहर जो दिख रहा है और अंदर जो है उसको बदलने के लिए हमें ग्रेटिट्यूड की बहुत जरूरी जरूरत है टू चेंज फ्रॉम इनसाइड आउट हमें बाहर से नहीं बदलना है हमें अंदर से बदलना है जब आप अंदर से बदलोगे तो बाहर दिख दिख जाओगे आप निखर कर दिख जाओगे so सो एक वजह है कि हमें ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहिए ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करनी चाहिए और इसी की एक वजह से हमें क्या ग्रेटिट्यूड की जरूरत हे हमें सो so नेक्स्ट हम देखेंगे yes. हम materialistic things में अटके हुए हैं मुझे घर चाहिए बंगला चाहिए गाड़ी चाहिए बहुत सारी थिंग्स मुझे चाहिए है ना सब चीजें मेरे घर में होनी चाहिए लेकिन हम सोचते नहीं है कि नीड क्या है और ग्रीड क्या है क्योंकि नीड तो हम भूल चुके हैं अब तो हम सब रह रहे ग्रीड में और जब बड़े बड़ों में ये ग्रीड आ जाती है कि मुझे सब चाहिए तो ऑटोमेटिकली बच्चों में भी ये ग्रीड आ ही जाती है क्योंकि जब आप बच्चों को एक चॉकलेट देते हो तो एक से उनका समाधान नहीं होता है आई वॉन्ट मोर मुझे ज्यादा चाहिए एक नहीं दस चाहिए क्योंकि ये संस्कार हम ही बच्चों को देते हैं क्योंकि हम हम ही अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं कि हमारी नीड क्या है और ग्रीड क्या है हमारी जरूरतें बहुत कम होती है लेकिन वो ग्रीड से फुलफिल नहीं होती है है ना बहुत ज्यादा मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि एक बंगला है तो और थोड़ा सा इससे भी ज्यादा बड़ा बंगला में बनाना चाहता हूँ बिजनेस में बहुत सक्सेसफुल हूँ एक फ्रेंचाइजी तो और दस इसमें मैं कहती हूँ कि इसमें कोई बुराई नहीं है आप बनो सक्सेसफुल बनो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है लेकिन जब आप आ, आपकी नीड क्या है वो समझते नहीं हो और ग्रेड में आप जब अटके पड़े रहते हो अटक जाते हो तब ग्रेटिट्यूड करना आप भूल जाते हो क्योंकि जितना आपको मिला है तो वो नजरअंदाज होने लगता है और हम ग्रेड की तरफ भागने लगते हैं तो इसी की वजह से हमें ग्रेटिट्यूड करना बहुत जरूरी है जो कुछ भी हमें मिला है उसके लिए So, आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है अनहेल्दी रिलेशनशिप बन जाते हैं कि जिसकी वजह से बहुत सारे घर संसार भी टूट जाते हैं कुछ ऐसे मन में मन मुटाव हो जाते हैं ये क्यों होता है कि बिकॉज लैक ऑफ ग्रैटिट्यूड रिलेशनशिप में अगर ग्रैटिट्यूड नहीं है तो वो रिलेशनशिप अच्छा रहेगा हेल्दी रहेगा नहीं एग्जैक्टली exactly नहीं रहेगा वो सो ग्रैटिट्यूड कैन हील योर रिलेशनशिप जब आप किसी किसी रिलेशनशिप में अगर आप ग्रेटिट्यूड करते हो आभार प्रदर्शित करते हो चाहे वो आपका हस्बेंड हो आपकी वाइफ हो या फिर आपकी मदर हो पेरेंट्स हो सिस्टर हो ब्रदर हो कुछ भी हो आपका फ्रेंड्स भी हो तो जब आप ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हो कि थैंक यू आज तुमने मेरे लिए ये किया बहुत बार हम दिन भर काम करते रहते हैं है ना तो अगर हमारे आ, हमारे जो है अगर हमें ग्रेटिट्यूड नहीं करते हैं कि आप दिन भर बहुत काम करती हो तो थैंक यू वेरी मच तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है तो हम वो काम भी बहुत मतलब जो भविष्य में काम करेंगे वो भी बहुत अच्छा करेंगे है ना और कभी कभी हम ये भी भूल जाते कि हमारे जो हस्बैंड है वो भी हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं दिन भर काम करते रहते हैं कभी कभी उन्हें ऐसा भी काम करना पड़ता है जो उन्हें अच्छा भी नहीं लगता है फिर भी वो फैमिली के फैमिली के लिए करते हैं लेकिन कभी हम ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस नहीं करते हैं कि आप हमारे लिए बहुत कुछ करते हो थैंक यू वेरी मच बस एक वर्ड जो है थैंक यू वेरी मच ये सेंटेंस जो है वो बहुत बड़ा काम कर देता है और आपके टूटे हुए रिश्तों को भी वो बना सकता है सो नेक्स्ट वन हम देखेंगे व्हाई वी नीड ग्रेटिट्यूड अब ये थर्ड पॉइंट है ग्रेटिट्यूड इज द बेस्ट मेडिसिन इट्स हील्स योर माइंड एंड बॉडी टू वर्क एंड फ्रॉम बैड सिचुएशन बहुत बार हम ऐसी सिचुएशन में अटके रहते हैं कि हमें कुछ रास्ता सूझता नहीं है कि क्या करूं क्या ना करूं अभी कोरोना के पीरियड में बहुत सारे परिवार ने ये बैड सिचुएशन देखी है तो बस एक ही अगर हम देखेंगे कि आपने सभी ने देखा होगा कि बहुत सारे परिवार में एक तीन चार लोग या फिर घर का कोई बड़ा आदमी हो या फिर कमाने वाला आदमी हो उसकी डे, डेथ हुई है तो अगर वो व्यक्ति व्यक्ति सोचती है कि ठीक है कोई बात नहीं लेकिन हम तो बच गए मेरे बच्चे तो बच गए ये बैड सिचुएशन है कभी ना कभी तो जाएगी लेकिन भगवान का शुक्रिया अगर हम मानते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं बाकी के परिवार के लोग तो बच गए ना क्योंकि उस, उस समय पर सिचुएशन ही ऐसी थी क्योंकि वो पेंडेमिक था तो उस समय ग्रेटिट्यूड होना बहुत जरूरी था और आज भी उतना ही जरूरी है कि आज हमें हम कैसे एटीट्यूड ग्रैटिट्यूड हम मान सकते हैं भगवान को कैसे आभार मान सकते हैं कि हे है भगवान कि कोरोना का पहला वेव भी हो गया दूसरा भी हो गया तीसरा भी हो गया चौथा भी हो गया लेकिन फिर भी आज हम सब जिंदा है सो थैंक यू वेरी मच भगवान तो गॉड को हमें थैंक यू कहना चाहिए कि आज मैं जिंदा हूं ये बैड सिचुएशन में मैंने ओवरकम किया है सो so, uh, कोई मुझे बताएगा इनका नाम क्या है क्या आप इन्हें पहचानते हैं हाँ मैडम ये uh, सुधा चंद्रन है एंड शी हैज हर वन आर्टिफिशियल लोअर लिम मतलब आर्टिफिशियल लेग है उसको अच्छा आर्टिफिशियल लेग है ओके वेरी गुड यस 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 ये चंद्रन जी है कि जिनका एक जो पैर है वो आर्टिफिशियल है जब उनका एक्सीडेंट जब हुआ था ना तो ऑब्वियसली uh, uh, उनको चोट आई थी uh, लेकिन वो ठीक थी uh, एक आठ दिन के बाद uh, जहा पर पैर पर उनको चोट लगी थी तो वहां पर uh, आठ दिन के बाद दर्द शुरू हो गया जब वो डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने कहा कि आपको गैंग्रीन हो गया है और आपका पूरा पैर अगर बचाना है तो आपका जिस जगह पर गैंग्रीन हुआ है जो चोट पहुंची है हमें वो काटना पड़ेगा ऑब्वियसली उन्हें बहुत बुरा लगा उनके पेरेंट्स को भी बहुत बुरा लगा और जब उनका ऑपरेशन हुआ तो बहुत सारे लोग विजिट करने के लिए आ गए जैसे कि हमारे आ, हमारे इंडिया में कल्चर है बहुत सारे मतलब वर्ल्ड में सभी तरह कल्चर है कि जो बीमार होता है तो हम उसको देखने जाते हैं तो उनको भी देखने के लिए बहुत सारे लोग आ गए तो बस एक ही बात कहते थे कि वो कहती है आफ्टर लूजिंग लेग इन एन एक्सीडेंट पीपल वुड कम होम एंड इट्स सो सैड योर ड्रीम कैन नॉट कम ट्रू एंड और विश यू वो कहते कि कहते थे कि बहुत बुरा लग रहा है कि आ, तुम्हारा जो सपना है वो अभी uh, शायद नहीं हो पाएगा साकार नहीं हो पाएगा और वही विश यू कोड हम विश करते हैं कि शायद आप डांस कर सको तो इन वाक्यों से उन्हें बहुत बुरा लगता था लेकिन उनके पास एक ही आंसर था I thank to God, I am alive. मैं भगवान का शुक्रिया मानती हूँ कि मैं एक्सीडेंट के बाद जिंदा हूँ क्योंकि बाकी तीन लोग मर चुके थे भगवान ने मुझे जिंदा तो रखा तो दिस इज द काइंड ऑफ ग्रेटिट्यूड जो आपको भगवान के लिए कहना चाहिए बहुत सारे लोग कहते कि भगवान मैंने ऐसा क्या किया था कि तुमने मुझे ऐसी सिचुएशन में डाला है अपाइज बना दिया मुझे लेकिन ये आप कभी नहीं सोचेंगे कि भगवान ने आपको जिंदा तो रखा तो बस इसी एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड से उन्होंने क्या किया अपने जीवन में सक्सेस uh, उन्हें प्राप्त हुआ और आर्टिफिशियल लेग लगाने लगाने के बाद भी वो बहुत बढ़िया डांस करती थी क्यों क्योंकि उनके पास वो ग्रैटिट्यूड था कि यस मैं कर सकती हूं और जब आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हो तब आप ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाते हो स्ट्रांग हो जाते हो और उसी तरह सुधा चंदन भी बहुत स्ट्रांग हो गई और पता भी नहीं चला कि किसी तो किसी को तो पता भी नहीं चलता था कि इनका लेग जो है उनका पैर जो है वो आर्टिफिशियल है इतनी अच्छी तरीके से वो खुद को प्रेजेंट करती थी और डांस भी करती थी नेक्स्ट हम देखेंगे बैरियर्स ऑफ ग्रेटिट्यूड अब मुझे बताओ कि ऐसे कौन कौन से बैरियर्स होते हैं कि आप ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस नहीं कर पाते कोई मुझे बताएगा आप आ, मतलब शेयर भी कर सकते हो जैसे कि आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि इसकी वजह से मैं ग्रेटिट्यूड नहीं एक्सप्रेस कर सकती मैम बहुत सी बार तो हम रियलाइज नहीं करते कि वी शुड बी थैंकफुल यस 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 रियलाइज ही नहीं होता है कि हमें करना चाहिए और फिर कभी कभी ऐसा होता है कि हम रियलाइज भी करते हैं पर हमको लगता है कि

वो एटीट्यूड होता है कि हम ग्रेटिट्यूड नहीं कर सकते वो नजरिया अलग हो जाता है हमारा तो वन बाय वन हम देखेंगे ओके okay, एक छोटा सा वीडियो है वो हम देखेंगे उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ओके okay. तो इस वीडियो में कौन सा एक मैसेज था बहुत अच्छा मैसेज था कोई बता सकता है मुझे एक दूसरे से बातचीत करो और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो जैसे कि वीडियो में दिखा कि वो शायद एक मतलब फादर और सन है वो दोनों के बीच में इतना कॉन्वर्सेशन नहीं हो पाता है तो जिसके वजह से एक दूसरे की फीलिंग एक दूसरे तक नहीं पहुंच पाती है ओके okay. सो so, uh, इसमें दिखाया गया है कि दोनों को एक दूसरे से प्यार है लेकिन वो ग्रेटिट्यूड जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। और लास्ट में जो उनके फादर ने कहा कि आई लव यू बेटा मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूं अगर आपके मन में किसी के लिए फीलिंग्स है ग्रेटिट्यूड है तो एक्सप्रेस करना बनता है एक्सप्रेस करना जरूरी बनता है क्योंकि वो बेटा क्या सोचता था कि पहले पापा आप कितना मुझे प्यार करते थे बहुत सारी चीजें शेयर करते थे लेकिन आजकल नहीं करते हो आपका गुस्सा दिखता है लेकिन आपका प्यार नहीं दिखता है सो ऐसी सिचुएशन में हमें ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना आना चाहिए क्योंकि जब आप ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस नहीं करते हो तो शायद कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में वो दरार बन जाती है चाहे वो रिश्ता माँ बाप का हो हस्बैंड वाइफ का हो या फिर एम्प्लॉय या फिर, फिर कस्टमर का हो या फिर बॉस और एम्प्लॉय का हो किसी भी रिश्ते में ग्रेटिट्यूड होना बहुत जरूरी है कोई और शेयर कर सकता है कोई और शेयर करना चाहेगा वीडियो में आपको मतलब क्या समझ में आ गया क्या मैसेज था उसमें सुवर्णा मैडम यस यस मैम बोलिएगा मैडम कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि हमारे पेरेंट्स नहीं कर पाते हैं ओके okay. तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे रिलेशनशिप है उसके हिसाब से अगर हम आ, मतलब पेरेंट्स चाहें तो हम अपने बच्चों को समझा सकते हैं अपनी फीलिंग या ओके okay. आप म्यूट uh, हो गई मैम आप म्यूट हो गई है यस yes. हेलो हाँ बोलिए बोलिए तो जो रिलेशन है हमारे तो उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि ग्रेटिट्यूड देना बहुत ज्यादा जरूरी है बट रिलेशनशिप के हिसाब से हमने उनको समझाना भी चाहिए कि हमारी ऐसी सिचुएशन है और ऐसी सिचुएशन में हम नहीं बोल पाए ओके ओके ठीक है थैंक यू वेरी मच मैम थैंक यू वेरी मच जैसे कि मैम ने बताया कि हमें समझाना चाहिए है ना बच्चों को हमें समझाना चाहिए लेकिन ग्रेटिट्यूड कैसे काम करता है कि जैसे कि जो मनी होते हैं, जो माला हम बनते बन, बनाते हैं ना तो एक धागा जो होता है वो पूरे माला को क्या करता है समेटे रहता है तो ग्रेटिट्यूड बस वही काम करता है कि आपके रिश्तों को बांधे ही रखता है प्यार तो बेटे को भी था है ना अपने पापा से और पापा को भी बेटे से प्यार था लेकिन बस आपका कम्युनिकेशन होना चाहिए जब आप कम्युनिकेट करोगे तभी आप ग्रेटिट्यूड कर सकोगे ना अगर आप कम्युनिकेट नहीं करोगे अंदर ही अंदर आप आ, कहोगे कि पापा ने ऐसा करना चाहिए बेटे ने ऐसा करना चाहिए था वैसा नहीं करना चाहिए लेट्स ओपन आप खुद को ओपन करो तभी तो आप ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर सकोगे जब बेटा एक्सक्यूज मी मैम एक्सैक्टली वॉन्ट टू से कम्युनिकेशन होना चाहिए यस 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 मैम यस आई अग्री कि कम्युनिकेट होना जरूरी है कम्युनिकेशन होना जरूरी है <coughs> जब वो बेटा बाहर जाता है जब गाड़ी में बैठता है <coughs> तब उसकी माँ वीडियो कॉल करके बताती है कि बेटा देखो पापा तुमसे कितना प्यार करते हैं और और एक बात है कि जेंट्स में ये बात बहुत ज्यादा होती कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते जैसे कि हम लेडीज कर पाती है उतना जेंट्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते कि यस yes, उनको भी प्यार होता है वाइफ से होता है बच्चों से होता है भाई से होता है बहन से होता है लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते तो ये तो बड़ी बहुत विडंबना है कि जेंट्स वो जो है लव जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते ठीक तरीके से तो इसलिए ऐसी प्रॉब्लम्स आती रहती है सो so, नेक्स्ट uh, हम देखेंगे कि कौन कौन से बैरियर्स है एक्सपेक्टेशन तो ये तो बहुत सारे रिश्ते में आता है कि अपेक्षाएं हम उसको कहते हैं वेन यू रिलीज एक्सपेक्टेशन जब आप किसी की अपेक्षा को रिलीज करते हैं सो यू आर फ्री टू एंजॉय थिंग्स वॉट फॉर वॉट दे आर इनड ऑफ वॉट यू थिंक दे शुड बी हम हम बहुत बार क्या करते कि इसने ऐसा करना चाहिए था उसने वैसा करना चाहिए था तुझे ये करना चाहिए तुझे वो करना चाहिए लेट रिलीज योर एक्सपेक्टेशन आपकी अपेक्षाएं को छोड़ दो जब आप आपकी अपेक्षा को छोड़ देंगे तब आप एक्सपेक्ट करेंगे कि सामने वाला आदमी है क्या और जैसा है वैसा हम उसको क्या करेंगे एक्सपेक्ट जैसे कि स्वीकार करेंगे यस, yes, मेरा बेटा वैसा है मैं उसको स्वीकार करती हूँ लेकिन बहुत बार रिश्तों में ये एक्सपेक्टेशन ऐसा होता है कि वो क्या करता है आपको ग्रेटिट्यूड नहीं कर पाता या फिर एज अ बैरियर बन uh, काम करता है ये एक्सपेक्टेशन और आप ठीक तरह तरीके से आप आभार प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं क्योंकि अपेक्षा का बोझ इतना बड़ा होता है कि उसके सामने ग्रेटिट्यूड दिखता ही नहीं हमें बहुत बार ऐसा होता है और अगर आप पिक्चर में देखेंगे तो बहुत बार हम कंपैरिजन भी करते हैं कि शायद मेरे पास गाड़ी होती बंगला होता आ, सामने वाले आदमी की तरह मैं भी अमीर होता और हम बहुत बार खुद को क्या करते हैं कंपेयर करते रहते हैं सो व्हेन यू कंपेयर योर सेल्फ विथ ऑदर्स इन मैटर ऑफ वेल्थ वो मैटर वेल्थ भी हो सकता है पोजिशन भी हो सकती है हेल्थ भी हो सकता है कई कई बार हम देखते हैं ना कि ऐसी पतली सी लड़की जाती है तो हम अरे इतना इसका वजन कितना कम है वो कितनी कितनी खूबसूरत दिखती है कितनी अच्छी है अच्छी लेकिन मेरा वजन तो बहुत ज्यादा है कई कई बार किसी की पोजीशन पे पर भी हम कंपेयर करते रहे थे उसकी पोजीशन बहुत अच्छी है मेरी पोजीशन अच्छी नहीं है उसके पास इतना पैसा है मेरे पास कम पैसा है तो ये कंपेरिजन एक एज अ बैरियर का काम करता है कि जिसकी वजह से कि जिन लोगों के पास ये नहीं है वो हम कभी देख नहीं सकते हैं और जब हम देख नहीं सकते तब हम भगवान का शुक्रिया कभी नहीं करते हैं कि हे है भगवान एटलीस्ट जिन लोगों के पास ये नहीं है एटलीस्ट ये सब मेरे पास है तो ये ग्रेटिट्यूड जो होता है वो उस सिचुएशन में हम नहीं कर पाते हैं, उस एटीट्यूड में हम नहीं कर पाते हैं, जो हमारा नजरिया जो होता है जो हमारा एटीट्यूड होता है तो इस तरह की, तरीके से वो हो जाता है कि हम किसी का शुक्रिया नहीं कर पाते हैं सो so, बहुत बार अनरिडीम सोल uh, कोई मुझे बताएगा अनरिडीम सोल के बारे में क्या होता है ये अनरिडीम सोल ऋतुजा मैम गौरी मैम निधि मैम क्या आप बता सकती है अनरिडीम सोल ये और एक बैरियर है जब आप ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो नेहा मैम कोई बता सकता है मुझे कि अनरिडीम सोल क्या है सो व्हाट इज माई मीन अनरिडीम सोल ओके ऋतुजा मैम आप बता सकती है जो रियलाइज नहीं कर पा रहा है ओके okay. या जिसके पास है बट मतलब थैंकलेस ही बोलते हैं जब तक मुझे पता है बट श्योर बट ओके, okay. सो so, uh, चलो हम देखेंगे अभी अनरिडीम सोल इफ यू आर नॉट अनरिडीम इफ यू आर अनरिडीम इफ यू आर अनरिडीम यू आर नॉट गोइंग टू थैंक गॉड बिकॉज यू नॉट बिलीव दैट ही इज रियली एंड सोर्स ऑफ गुड थिंग्स बहुत बार हम अनरिडीम सोल बन जाते हैं अनरिडिम का मतलब होता है कि जैसे कि अनथैंकफुल uh, जैसे कि मैम ने कहा ऋतुजा मैम ने कहा ऋतुजा मैम ने कहा सेम वैसे ही हम नोटिस नहीं कर पाते हैं कोई-कोई कोई लोग ऐसे होते हैं ना कि जो भगवान को नहीं मानते हैं कहा है दिखाओ मुझे भगवान कौन सा भगवान और आई एम नॉट गिविंग थैंक टू गॉड मैं गॉड को थैंक यू कहूं क्या किया है उसने और बहुत बार ऐसे लोग जो होते हैं ना सोर्स ऑफ गुड थिंग्स मतलब परेशान रहते हैं एंग्री होते हैं इनका किसी से जमता नहीं है वो ट्रेस रहते हैं हमेशा अंडर प्रेशर रहते हैं क्योंकि उनके मन में उनका जो सोल होता है जो, जो उनकी आत्मा जो होती है ना वो किसी के अस्तित्व को मानती ही नहीं है यस yes. ये सब भगवान का है और ये यूनिवर्स है ये यूनिवर्स में हमें दिया है ये चांद सूरज तारे ये आकाश ये जमीन ये एयर ये सब भगवान का दिया हुआ है और जब आप अनडीम होते हो किसी का थैंक्स नहीं कहते हो आभार आपको नहीं करना है तब आप आपकी विचारों से एकदम तटस्थ रहते हो कि नहीं जो मैं कहती हूँ वही सही है बाकी सब गलत है और इसी एटीट्यूड की वजह से शायद आप किसी का ग्रेटिट्यूड नहीं कर पाते और और एक बात जो है वो बैरियर बन जाती है situation में कि जब आप ग्रेटिट्यूड नहीं कर पाते तो इसके बारे में कोई बताएगा मुझे पिक्चर देख के आपको क्या समझ में आ रहा है निधि मैम क्या बता सकती है आप ऋजुता मैम क्या बता सकती है आप uh, बोलो ना दूसरों के दूसरों के खेत में ज्यादा हरियाली दिखती वैसा है कि अपने पास है yeah. लेकिन फिर भी हम उसको रियलाइज नहीं करते हैं हाँ और हमको तो दूसरों के थाली में घी ज्यादा दिखता है वैसा yes, वाला यस 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 एग्जैक्टली थैंक यू मैम बहुत अच्छा बहुत बढ़िया जवाब दिया है आपने कि ये तो आजकल का कल्चर हो चुका है कि दूसरों की थाली में कितना है वो हम देखते हैं। लेकिन हमारी थाली में कितना है वो हम कभी नहीं देखते सो एनवी so, इसको हम जलन भी कह सकते हैं एनवी इज आर्ट ऑफ काउंटिंग ब्लेसिंग कि दूसरों को कितना मिला है इंस्टेड ऑफ यू ओन आपके पास कितना है वो हम कभी है? मतलब खुद के पास कितना है वो हम कभी नहीं देखते ए, लेकिन दूसरों दूसरों के, दूसरों के पास कितना है वो हम देखते हैं क्या

हेलो निधि मैम निधि मैम ओके ठीक है अब हम नेक्स्ट देखेंगे Wait. Okay. So, self बहुत बार हम क्या करते हैं, खुद में ही इतने मग्न हो जाते हैं कि हमें दूसरों की तरफ हम ध्यान ही नहीं देते टू मच सेल्फ सेंटर एटीट्यूड गिवज यू आइसोलेशन एंड लोनलीनेस बहुत बार ये देखा गया है कि हम ज्यादा से ज्यादा खुद पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो ये लोग आइसोलेशन में होते हैं मैं ही अच्छा हूँ मेरा ही सही है मैं ही सच्चा हूँ या फिर मुझ में ही सब वो है, जो दूसरों में नहीं है जब वो खुद के लिए जीता है इट्स सोर्स ऑफ सफरिंग वो बंदा क्या करता है ज्यादा सफरिंग करता है ज्यादा टेंशन में रहता है सक्सेस तो उसे मिलता है लेकिन जब वो उसका ग्रेटिट्यूड नहीं कर पाता है तो वो आ, उसका जो आनंद हम कहते हैं सक्सेस का जो आनंद होता है वो कभी नहीं ले पाता और ये एक ग्रेटिट्यूड का बैरियर है कि जिसकी वजह से हम ग्रेटिट्यूड नहीं करते हैं सो बैरियर्स ऑफ ग्रेटिट्यूड में आगे हम देखेंगे कि आ, हम तो बहुत ग्रो हो चुके हैं लेकिन अंदर से नहीं ग्रो होगे है ना इसकी वजह से भी हम ग्रेटिट्यूड नहीं कर पाते सो so, ग्रैटिट्यूड करने के कौन-कौन से बेनिफिट हो सकते हैं रुजिता मैम बताइएगा आप कौन-कौन से से बेनिफिट है कि आप जब आप ग्रैटिट्यूड करते हैं तो वो बेनिफिट हमें मिल जाते हैं सबसे पहले तो हमको ही खुशी मिलती है यस yes, एग्जैक्टली exactly. और आ, हम हल्का भी महसूस करते हैं जब हम किसी के लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं तो हम मन में नहीं रहते हैं। हमारे तो हमको लगता है हमने एक्सप्रेस किया है तो हम सामने वाले को भी उतनी खुशी देते हैं हम खुद भी हैप्पी फील करते हैं जब हम हैप्पी फील करेंगे तो हम हेल्दी रहेंगे And, uh, yes, yes, exactly. you, Rujita, जब हम किसी को थैंक यू बोलते हैं तो हम खुद भी हैप्पी फील करते हैं जो लास्ट रहता है मतलब हमारे मन में रहता है और उसका परिणाम हमारे मेंटल हेल्थ भी पर भी होता है कि जब हम किसी को थैंक यू बोलते हैं तो हमारे एक स्ट्रेस रिलीफ होता है और मेंटली हम हेल्दी रहते हैं और हमें पता चलता है कि हमें किसको ग्रेटिट्यूड करना है कैसे करना है और हम धीरे धीरे वो प्रैक्टिस करने लगते हैं और जब आप मेंटली हेल्दी होते हो तो आपके आप फिजिकल भी हेल्दी होते हो वो कैसे तो देखिएगा जैसे कि हम आ, किसी को आप थैंक यू बोलते हो आभार प्रदर्शित करते हो तो उसके बाद जैसे कि हमारे फिजिकल हेल्थ के लिए जब हम हमारे हाथ है, हमारे हाथ पैर है हमारी आंखें है जो कुछ भी हमारा माइंड है ब्रेन है उसको जब हम थैंक यू बोलते हैं कि यस आई हैव लेग मुझे पैर है इसलिए थैंक यू माय लेग थैंक यू माय हैंड हम अपनी पूरे शरीर के शरीर के जो पार्ट्स होते हैं उनको जब हम थैंक यू कहते हैं तब आप उनके क्या करते हैं केयर करने लगते हैं कि नहीं ये मेरा पैर है इसकी वजह से मैं पूरी दुनिया में घूम सकता हूँ बिना किसी सपोर्ट के तो ऑटोमेटिकली आपकी फिजिकल हेल्थ तो बनती ही अच्छी है और उसके बाद आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी होती है बिकॉज ऑफ ग्रेटिट्यूड स्ट्रेंथन सेल्फ कंट्रोल आप खुद को बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रैटिट्यूड सेल्फ कंट्रोल मतलब बहुत सारी इमोशंस होते हैं हमारे मन में कभी हम खुश होते हैं कभी हम दुख दुखी होती है एंगर भी आता है है ना कभी बहुत सारी इमोशन इंसान के डेली लाइफ में आते हैं जब आप किसी को ग्रेटिट्यूड करते हो बहुत बार ऐसा भी होता है कि सामने वाला आपके बारे में अच्छा नहीं बोलता है वो बुरा बोलता है आपके बारे में लेकिन उस समय ग्रेटिट्यूड की भावना आपके मन में आती है कि थैंक यू आपने बुरा तो सही लेकिन कहा मेरे लाइफ में बुरा कहने वाले लोग तो है किसी के लाइफ में वो लोग भी नहीं होते हैं हम उस लेवल पे सोच हमारी क्रिएट हो जाती है और आप सेल्फ को मतलब खुद को कंट्रोल कर पाते हो बिकॉज ऑफ ग्रैटिट्यूड हेल्प करियर एंड लाइफ गोल्स ये तो बात सही है जब आप किसी को ग्रेटिट्यूड करते हो आभार प्रदर्शित करते हो तो उसकी हेल्प आपके करियर में भी होती है और आपके लाइफ गोल में भी होती है सोशल वेलबींग well आप सोशल भी बहुत एक्टिव हो जाते हो जल्दी से जल्दी मतलब लोगों से कनेक्ट आप जल्दी कर पाते हो न्यू फ्रेंड्स बनाना अब मुझे बताओ कि ये कौन सा पिक्चर आपको दिखाई देता है क्या कोई मुझे बता सकता है कि क्या पिक्चर है ये निधि मैम बता सकती है फैक्ट्री है उसमें से धुआं निकल रहा है ऐसा लग रहा है ओके ओके तो थैंक यू मैम निधि मैम तो ये है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर टू थाउजेंड वन में शायद इस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में अटैक हुआ था एक टेररिस्ट अटैक हुआ था तो ये न्यूयॉर्क में एक म्यूजियम है तो उस म्यूजियम में ड्यूरिंग दिस अटैक अटैक मतलब एक के दौरान रिकॉर्डिंग किया गया क्योंकि ये बहुत बड़ा ऑफिस था रिकॉर्ड मतलब ऑलरेडी था उनके पास तो बहुत सारे लोगों के फोन आ, फोन टैप के रिकॉर्ड थे फोन्स के रिकॉर्ड थे जब अब अगर आप सभी कभी गए तो आप देखेंगे यहाँ पर म्यूजियम में तो बहुत सारे लोगों के रिकॉर्ड है जो वहां पे अटके हुए थे तो लास्ट टाइम किसी ने ये नहीं पूछा कि मेरी कितनी संपत्ति के बारे में नहीं लास्ट कॉल जब उन्होंने अपने घर वालों से किया अपनी पत्नी से हो भाई से हो माँ से हो पापा से हो जब एक लास्ट कॉल उन्होंने किया तो देखा गया कि बहुत सारे लोगों ने मटेरियलिस्टिक थिंग्स नहीं बोली कि मेरी ये स्टेट है उस पर आप ध्यान दे दो मेरा ये बंगला है गाड़ी है उसका ध्यान दे दो नहीं बहुत सारे लोगों ने सिर्फ तीन ही वर्ड्स बोले थैंक यू सॉरी एंड आई लव यू बस ये तीन मैजिकल वर्ड्स ही उन लोगों ने ज्यादा से ज्यादा लोगों ने बोले क्योंकि तब उन उनको समझ में आ गया कि मैं सारी जिंदगी पैसे के पीछे भागता रहा और आज जब मेरा जाने का वक्त आ चुका है तो बहुत सारे लोगों ने ये थैंक यू सॉरी और ये आई लव यू वर्ड्स बोला क्योंकि उन्हें पता था इन वर्ड्स का आ, उनके जो जो लव्स वन वन है लव है अपने नजदीकी जो है रिलेशन में जो लोग है उनके जीवन में कितना महत्व रखते हैं उन्हें वो पता था लास्ट टाइम उन्होंने ये तीन वर्ड्स ही बोले तो आप Uh, मतलब आप समझ सकते हो कि ये तीन वर्ड्स हमारे जिंदगी में क्या मायने रखते हैं जब तक हो तब तक ये तीन वर्ड्स हमेशा हमें बोलना चाहिए कभी कभी कैसा होता है कि हम दूसरों को बहुत अच्छी तरीके से थैंक यू बोलते हैं uh, चाहे आपका ऑफिस का हो बाहर का कोई हो हम डायरेक्टली जल्दी जल्दी बोल जाते हैं हम है ना इसे हेजिटेट नहीं करते हैं थैंक यू uh, सॉरी है ना और आई लव यू ये वर्ड जो है ये क्या कपल के लिए नहीं होता है ये रिस्ट्रिक्टेड वर्ड नहीं है आप जिनसे प्यार करते हो चाहे वो आपके माँ बाप हो आपका फ्रेंड हो कोई भी हो आप उनसे बोल सकते हो ऐसा कुछ नहीं है सो so ये तीन वर्ड्स आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं कुछ और ही मुकाम पर ले जा सकते हैं ऐसा ना हो जैसे कि इन सभी सभी के साथ हुआ कि लास्ट में उन्हें बोलना पड़ा ये वर्ड क्योंकि तब उन्हें पता चला कि ये तीन वर्ड की जरूरत है हमें तो देर ना कीजिएगा जब तक आप जिंदा है तब जब तक आप जिंदा तब तक ये तीन वर्ड हमेशा हमें बोलने ही चाहिए देखिएगा बहुत बड़ा मतलब अच्छा परिणाम होता है आपके लाइफ में आपके रिलेशन भी बहुत अच्छी तरीके से डेवलप हो पाते हैं जब ये तीन वर्ड आप डेली बोलते हो है ना सो so, नेक्स्ट हम देखेंगे कि हाउ कैन ग्रेटिट्यूड चेंज योर लाइफ ग्रेटिट्यूड ऐसा क्या करता है कि आपकी लाइफ चेंज हो जाती है यस एग्जैक्टली सो सोशल लाइफ कैसे चेंज होती है आप मोर फर्गीविंग हो जाते हैं Uh, मतलब जब आप ग्रेटिट्यूड नहीं करते हो आभार नहीं मानते हो तो आप किसी को फर्गीव नहीं कर पाते हैं। बार बार वो चीजें मन में रहती है अरे उसने यही बोला था उसने ये ऐसा ही क्यों बोला वैसा ही क्यों बोला जब आप ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हो प्रैक्टिस करते हो तो आप बहुत जल्दी फॉरगिविंग करते हो ठीक है कोई बात नहीं इट्स ओके okay, हो गई गलती मैं माफ कर देती हूँ तो ये आप में चेंज आ जाता है मोर एम्पति दूसरों की जो प्रॉब्लम्स uh, है उसको क्या फील हो रहा है वो आप खुद फील करने लगते हो कि नहीं उसको उतनी तकलीफ हो रही है और इसको ही हम एम्पति बोलते हैं और आप ज्यादा एम्पथिक हो जाते हो ज्यादा uh, मतलब दूसरों की भावनाएं आप समझ समझ जाते हो जब आप ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हो तब स्ट्रोंगर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कौन सी चीज कहाँ बोलनी चाहिए कब बोलनी चाहिए ये आपका बहुत स्ट्रोंग हो जाता है मतलब ये इंटरपर्सनल स्किल जो होता है आपका कि आ, समझो कि आपके हस्बैंड थोड़े से परेशान है तो उस परेशानी में आप कुछ ऐसी चीज नहीं बोलेंगी जो आपको नहीं बोलनी चाहिए तो आप थोड़ा सा ठहर लेंगी ठीक है कोई बात नहीं आज ये परेशानी में है थोड़ी से तकलीफ में है मैं बाद में उनसे बात करूंगी सो दिस इज द कॉल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप आपको समझ में आता है कि नहीं ये चीज मुझे इस वक्त नहीं कहनी चाहिए मोर हेल्पफुल मोर जेनेरियस कंपेशनेट आप बहुत काइंडफुल हो जाते हो कंपेशनेट हो जाते हो तो इसकी मदद से आप किसी के भी लाइफ में बहुत आ, हम जैसे कहते हैं कि अच्छी लाइफ आप खुद की भी कर सकते हो दूसरों को भी कर सकते हो मोर हेल्पफुल एंड जेनेरियस कंपेशनेट आप बन जाते हो मोर विलिंगली सपोर्टेड बाय अदर आप खुद सपोर्ट देते हो बहुत बार जब आप ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हो तो इतनी ताकत ग्रेटिट्यूड में होती है कि आप खुद से विलिंगली मतलब यस, मैं उसे सपोर्ट करना चाहती हूँ या फिर आ, हो उसको मैं सपोर्ट करना चाहती हूँ में हो में में हो सोशल में हो तो आप विलिंगली मतलब अंदर से आपकी आवाज आती है कि नहीं मुझे इसे सपोर्ट करना चाहिए उसे मदद करनी चाहिए मुझे सो दिस इज ये सब चेंजेस होते हैं आप में जब आप ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हो तो नेक्स्ट हम देखेंगे हाउ कैन ग्रेटिट्यूड चेंज योर लाइफ इन इमोशनली इमोशनली आप कैसे आपके, आपके लाइफ में ज्यादा फर्क आता है या फिर हम कह सकते हैं कि कितनी अच्छी आपकी लाइफ हो सकती है आप ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट कर सकते हो बिकॉज ऑफ ग्रैटिट्यूड है ना जब आप ग्रेटिट्यूड करते हो कि हे hey भगवान तुमने मुझे इतनी अच्छी जिंदगी दी हे hey भगवान इतनी अच्छी फैमिली तुमने मुझे दी इतने अच्छे बच्चे मुझे दिए तो ऑटोमेटिकली आपके मन में वो पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट हो जाते हैं है ना उसके बाद सेल्फ सेटिस्फेक्शन ये तो होना बहुत जरूरी आजकल जब आप खुद सेटिस्फाई नहीं होते ना तो तब आप कोई भी ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो कि ठीक है ना मुझे जितना मिला है हम सेल्फ सेटिस्फाई हो जाते हैं कि ठीक है मुझे इसमें कमजोरी है मैं सुधारूंगी लेकिन जैसा है वैसा है मैं ठीक हूं मैं खुद में हंड्रेड परसेंट है एनहस तो मूड जब आप पॉजिटिव थॉट्स आपके मन में आते हैं खुद को आप सेल्फ सेटिस्फेक्ट कर पाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका मूड भी अच्छा रहता है कि आप ज्यादा मतलब हाइपर नहीं हो जाते हो एंग्री uh, नहीं हो जाते हो सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से आ जाता है फिर रिकवर फ्रॉम स्ट्रेस फास्टर हम बहुत अच्छी तरीके से रिकवर कर पाते हैं कितना भी बड़ा टेंशन हो वो हम टेंशन होता है लेकिन उसे हैंडल कैसे करना है ये ग्रेटिट्यूड से हम सीख पाते हैं फिर उसके बाद फील जॉय एंड है ये तो सिंपल सी बात है जैसे कि जब आप किसी को ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हो थैंक्स कहते हो तो आपको नींद बड़ी आती है कि आज मैंने दस लोगों को थैंक यू कहा मतलब हम टेंशन uh, फ्री सो जाते हैं अगर किसी से अनबन होती है और आप किसी को थैंक यू या फिर सॉरी नहीं कहते हो तो रात भर आप उसी विचार में रहते हो उसी थॉट प्रोसेस में रहते हो कि मैंने ये अच्छा नहीं किया मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था और आपकी जो नींद है वो भी पूरी नहीं होती है और रात भर हम उसी प्रोसेस में रहते हैं कि कब मैं उसको थैंक यू बोलूंगा या फिर कब मैं उसको सॉरी बोलूंगा तो अगर आप ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हो तो आपको नींद को भी नींद भी अच्छी आती है और जब नींद अच्छी आती हो आती है तो आप मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग बनते हो लेस बॉडी पेन्स एंड एक्स ये तो साइंटिफिकली प्रूव है जो व्यक्ति ग्रेटिट्यूड अच्छी तरीके से एक्सप्रेस करता है तो उसको बॉडी पेन बहुत कम होता है उसका ब्लड प्रेशर उसका कार्डिक फंक्शन भी बहुत अच्छी तरीके से काम कर पाता है जब वो ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करता है स्ट्रॉगर इम्यूनिटी सिस्टम उसकी इम्यूनिटी सिस्टम भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है कोरोना के पीरियड में तो हमने इम्यूनिटी सिस्टम पर बहुत डिग्रिया पा ली है हमें बहुत पता चल चुका है कि इम्यूनिटी सिस्टम क्या होती है सो so, एक छोटी सी बात है ग्रेटिट्यूड करके भी हम इम्यूनिटी सिस्टम सुधार सकते हो और बढ़िया भी कर सकते हो जैसे कि अभी हम देखेंगे कि ग्रेटिट्यूड करना कैसे मतलब अभी तक हमने देखा ग्रेटिट्यूड 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 लेकिन अब हम देखेंगे कि ग्रेटिट्यूड कैसे करना है हमें सो डोंट बी पिकी कि मैं नहीं इसको बोलूंगा इसको नहीं बोलूंगा इसको करूंगा उसको नहीं करूंगा डोंट बी पिकी जो भी आपको दिखता है उसको अप्रिसिएट करो ये दूर का है ये नजदीक का है ये मेरी फ्रेंड है ये मेरी फ्रेंड नहीं है नहीं ऐसा आपको नहीं करना है जो कुछ भी व्यक्ति है खुले दिल से आपको क्या करना है अप्रिसिएट करना है फाइंड ग्रेटिट्यूड इन योर चैलेंजेस जितने भी आपके दिन भर के लाइफ में मतलब आपके लाइफ में जितने भी चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं उसको ग्रेटिट्यूड करो कि भगवान तुमने मुझे ये चैलेंज दिया ये प्रॉब्लम मुझे दिया कि थैंक यू भगवान इस प्रॉब्लम की वजह से मैं खुद को स्ट्रॉन्ग कर पाई अगर इस टाइप से अगर आप ग्रेटिट्यूड करेंगे तो वो प्रॉब्लम आपको प्रॉब्लम भी नहीं लगेगी प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, हर तरह का मतलब अभी तो मैंने कहा कि आपको क्या करना है दिल से थैंक यू बोलना है ये प्रैक्टिस आपको रोज करनी है journal, आपको एक छोटी सी डायरी बनानी है जिसमें आपको रोज लिखना है सोने से पहले कि आज मैं किसको थैंक यू बोलने वाली हूँ वो आपका सब्जी वाला भी हो जो आपको सब्जियाँ चाहे वो आपका पेपर वाला हो दूध वाला हो जिसकी वजह से मेरी लाइफ बहुत ही आसान हो रही है आपके टीचर हो पेरेंट्स हो इनको तो हम थैंक यू बोलती ही है लेकिन छोटी छोटी चीजों में आप ग्रेटिट्यूड करना सीखो एक जनरल बनाओ एक डायरी बनाओ और सोने से पहले आपको कम से कम दस लोगों को थैंक यू बोल के ही लिखना है नहीं उनको बोला तो आप डायरी में लिख लो इसकी वजह से आपकी नींद भी बहुत अच्छी तरीके से आएगी वॉलंटियर हेल्पिंग ऑर्डर्स हेल्प यू अगर आपने किसी को हेल्प किया तो उन, उनसे कहो एक चैन बनाओ कि मैंने आज तुम्हारी मदद की मुझे थैंक यू मत कहो आप दूसरों को हेल्प करो दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ ग्रेटिट्यूड ऑल्सो ये भी एक ग्रेटिट्यूड हो सकता है एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड आज मैंने तुम्हारी हेल्प की तो तुम क्या करोगी कल दूसरों की हेल्प करना एक्सप्रेस योर सेल्फ मन में मत रखो जो कुछ भी है बोल डालो आप किसी को सॉरी बोलना चाहते हो लेट्स डू इट आप किसी को आई लव यू बोलना चाहते हो लेट्स डू इट आप कितना प्यार करते हो वो एक्सप्रेस करना चाहते हो लेट्स डू इट तो सबसे पहले तो ग्रेटिट्यूड की शुरुआत ही यही होती है कि आपको खुद को एक्सप्रेस करना है जैसे कि अभी हमने वीडियो में देखा जब आप एक्सप्रेस नहीं करते हो तो मिसकम्युनिकेशन हो जाता है सामने वाले को पता नहीं चलता है कि ये कितना प्यार करता है मुझसे है ना स्पेंड टाइम विद लवन आप जिसको प्यार करते हो उसके साथ आप रहो जब आपका डिस्कशन होता है तब आप एक बार तो आप उसे कह सकते हो कि यस तुम मेरे जिंदगी में आए मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूं मैं भगवान का आभार मानती हूँ एक बार तो आप कहोगे ना तो इसकी इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा स्पेंड टाइम विद लव वन आपके जो कुछ भी नजदीकी है तो उनके साथ आपको क्या करना है टाइम स्पेंड करना है इम्प्रूव योर लाइफ बहुत सारे ऐसे एरिया होते हैं आपके लाइफ में जैसे कि आप आ, आपकी हॉबी है या फिर आप सोशली ज्यादा एक्टिव हो जैसे कि हमारा जेसीआई का प्लेटफॉर्म है उसी उसी तरीके से, से आप क्या कर सकते हो आपका ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर सकते हो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको घर में ही ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना है आप ऑफिस में कर सकते हो सोशल लाइफ में कर सकते हो किसी भी तरीके से आप Uh, मतलब किसी भी फील्ड में या फिर किसी भी एरिया uh, में आप क्या कर सकते हो आपका हैप्पीनेस ढूंढ सकते हो और ग्रेटफुल बन सकते हो सो so, आप एक छोटी सी एक्टिविटी अभी हमें करनी है तो ग्रेटिट्यूड कैसे हम करेंगे सो so, यहाँ पर देखिएगा ग्रेटिट्यूड अफर्मेशन है तो एक पांच मिनट के लिए सबको क्या करना है अपनी आंखें बंद करनी है अगर आप वीडियो ऑन करेंगे तो बहुत बेहतर बहुत होगा प्लीज सब आप वीडियो ऑन करिएगा ओके आई एम वेटिंग वीडियो ऑन करिएगा ओके सो so, सबसे पहले आपको क्या करना है अपनी आंखें बंद करनी है दो मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कीजिएगा अब एक एक सेंटेंस में बोलूंगी और आपको वो फील करना है लेट्स डू इट आई एम थैंकफुल फॉर माई लाइफ आई एम थैंकफुल फॉर माई लाइफ मैं मेरे जिंदगी के लिए भगवान से आभार मानती हूँ आई एम थैंकफुल फॉर माई माइंड मैं अपने मन के लिए आभार प्रदर्शित करती हूँ आई एम थैंकफुल फॉर माई ग्रोथ मैं मेरे ग्रोथ के लिए मेरे सक्सेस के लिए मैं आभार प्रदर्शित करती हूँ आई एम थैंकफुल फॉर माई बॉडी मैं अपने बॉडी के लिए मेरे शरीर के लिए आभार प्रदर्शित करती हूँ आई एम थैंकफुल फॉर माई हार्ट मैं मेरे हृदय के लिए मेरे हार्ट के लिए आभार प्रदर्शित करती हूँ जो चौबीस घंटे मेरे लिए काम करता है आई एम थैंकफुल फॉर माई लेग मैं मेरे पैरों के लिए आभार प्रदर्शित करती हूँ मदद करते हैं मैं मेरे हाथ के लिए आभार प्रदर्शित करती हूँ आई एम थैंकफुल फॉर माई हेयर मैं अपने बालों के लिए आभार प्रदर्शित करती हूँ कि जिसकी वजह से मेरी सुंदरता और बढ़ती है आई एम थैंकफुल फॉर माई फ्रेंड्स मैं मेरे मित्र परिवार को आभार प्रदर्शित करती हूँ कि जिनकी वजह से मैं अच्छी जिंदगी जी रही हूँ और खुशियां मेरे जिंदगी में आ रही है आई एम थैंकफुल फॉर माई फैमिली जिनकी वजह से जिनकी वजह से मेरी जिंदगी में खुशियाँ आई है थैंकफुल आई एम थैंकफुल फॉर सनसेट मैं उस सूरज के लिए थैंक्स कहना चाहूँगी जो रोज आता है और मेरी जिंदगी में उजाला लाता है आई एम थैंकफुल फॉर earth अंडर माई फीट आज मैं धरनी माता को थैंकफुल कहना चाहूँगा धन्यवाद कहना चाहूँगा कि जिसके ऊपर मैंने पैर रखा हुआ है आई एम थैंकफुल फॉर द रूफ ओवर माई हैड मैं अपने घर के लिए थैंकफुल हूँ कि ये जो छप्पर मेरे ऊपर है उसी घर में रह रही हूँ मैं आई एम थैंकफुल फॉर द शूज़ अंडर माई फीट उस शूज के लिए थैंक यू हूँ क्योंकि आज मुझे लेग है इसलिए मैं शूज़ पहन रही हूँ आई एम सो थैंकफुल आई एम थैंकफुल फॉर द क्लोथ ऑन माई बॉडी मैं उन कपड़ों को आभार प्रदर्शित करना चाहूँगी कि जिसकी वजह से मेरी बॉडी कवर हुई है I am thankful for the food in my belly. मेरे पेट के अंदर जो जो खाना गया है, जो है, फूड मैं उसके लिए आभार प्रदर्शित करना चाहूंगी कि जिसकी वजह से मुझे एनर्जी मिलती है आई एम थैंकफुल फॉर द मनी इन माई बैंक यस आज मैं शॉपिंग करती हूँ जो चीजें चाहिए मैं परचेज कर सकती हूँ बिकॉज ऑफ माई बैंक माई मनी सो आई एम थैंकफुल फॉर मनी आई एम थैंकफुल फॉर ऑल माई ब्लेसिंग्स जो बड़े लोगों से मुझे ब्लेसिंग्स मिलती है तो उनके लिए भी मेरा आभार प्रदर्शित करती हूँ आई एम थैंकफुल फॉर टुडे मैं इस आज के दिन के लिए मैं आभार प्रदर्शित करती हूँ आई एम थैंकफुल फॉर टुडे आई एम थैंकफुल फॉर टुडे अब आप धीरे धीरे आंखें खोल सकती हैं सभी आपके दोनों हाथों को आप रब करिएगा और आपके चेहरे पर दो मिनट के लिए रख दीजिए ओके ओवर नाउ तो कोई मुझे बता सकता है कैसे फील हुआ आपको निधि मैम जी मैम हाँ मैम आप शेयर करना चाहेंगी आपको कैसा फील हुआ अच्छा फील हुआ मैम <laughs> okay. जो हम आम... रोज डेली यूज करते हैं चीजें अपने बॉडी पार्ट्स पर हम उसको कभी थैंकफुल नहीं करते पर आज आपकी वजह से हम लोग फील कर पाए कि हर yes. चीज हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है यस एग्जैक्टली सो और कोई शेयर करना चाहेगा रुजुत, रुजुता मैम आप शेयर करना चाहेगी और रुजिता मैम इमरजेंसी में गए हैं ओके ओके ठीक है इट्स ओके सो आप सभी ने मुझे अच्छी तरीके से uh, सुना तो इसके लिए मैं भी एक ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहूंगी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे सभी ऑडियंस का और uh, जैसे कि निधि मैम ऋतुजा मैम सभी आपकी जो एलजीबी टीम है तो सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी आई होप आज मैंने ग्रेटिट्यूड पर जो मेरा नॉलेज है छोटा सा तो वो मैं दे पाई या फिर दे सकती दे सकती सकी मैम हमारे एमरजेंसी तो, में से, okay. से. मैम आप कुछ बोलना चाहेंगे रुजुता मैम एक सेकेंड एक सेकेंड

Thank और you, एक क्वेरी है मैंने चैट बॉक्स में डाला है अगर आप एक क्वेरी मैंने चैट बॉक्स में डाला है ओके ओके देखती हूँ मैं राइट राइट ओके डिटेल ओके टेक्नोलॉजी के सामने में बच्चों को ग्रेटिट्यूड कैसे सिखाना है ओके okay. Uh, जैसे कि uh, रुदुजा मैम ने कहा कि टेक्नोलॉजी के सामने में बच्चों को ग्रेटिट्यूड uh, कैसे सिखा पाऊ ओके okay. uh, जैसे कि बहुत सारे घर में छोटे छोटे बच्चे भी हैं है ना तो बहुत बार क्या होता है कि मैम आप कुछ ऐसा बोल सकते है कि क्या ऐसे प्रॉब्लम आता है कि जिसकी वजह से आप ऐसा आपको ऐसा लगता है कि बच्चों को ग्रेटिट्यूड सिखाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है जैसे हम बोलते हैं ना कि सूरज जो है ये, ये हम वी शुड बी थैंकफुल टू नेचर तो आजकल के बच्चे क्या बोलते हैं ये सब तो शायद इसमें नेचर क्या है तो उनको वो रियलाइज नहीं होता है कि हम लोग थैंकफुल होना चाहिए उस चीज के लिए ठीक है उनको जो फैसिलिटीज हम दे रहे हैं वो हमारा ड्रॉबैक है की हम उनको इतना फैसिलिटी दे रहे हैं लेकिन उनको रियलाइज नहीं होता है कि ये सब चीज़ों के लिए थैंकफुल होना चाहिए तो क्योंकि तो, उनको सब कुछ साइंस लगता है So, why should we be thankful to nature? okay, uh, I understand, ma'am. Yeah. तो कहा कि आप, बच्चों को और खुद को, जितने भी आपके फैमिली मेंबर है सोते समय मतलब सोने से पहले आप बच्चों को डायरी दे सकती है और जितने भी अच्छे अच्छे चीज आपने बेटा देखे ना दिन भर में उसकी एक लिस्ट बनाओ और उनको थैंक यू बोलो बस धीरे धीरे बच्चा भी समझ में समझ जाएगा कि ग्रेटिट्यूड करना कितना जरूरी होता है क्योंकि जब हम करेंगे तो बच्चे करेंगे क्योंकि बच्चे right. देख right. कर सीखते है सुनकर कभी नहीं सीखते हैं जैसे कि आपने बताया कि ये नहीं होता है ये साइंस नहीं होता है बेटा भगवान भगवान का अस्तित्व है एग्जैक्टली exactly. लेकिन जब हम खुद ग्रेटिट्यूड करेंगे ना तब बच्चे भी सीख जाएंगे ये प्रैक्टिस ये जर्नल आप चालू कीजिएगा और डेफिनेटली आपके बच्चे ग्रेटिट्यूड करना सीख जाएंगे और पहले के एक स्लाइड में मैंने बताया था कि खाने से पहले बच्चों को ग्रेटिट्यूड करना प्रेयर करना जरूरी होता है कि हे भगवान जब बच्चे पूछेंगे आपको सवाल पूछेंगे मम्मी ये क्यों करना है तब आप बच्चों को जवाब बच्चा बच्चों को आप जवाब दे सकते हो कि बेटा ये जो फूड है जो हमारे पेट में पेट के अंदर जा रहा है तो ये कैसे आता है ये भगवान की दया है हम पर कि बाकी के बच्चे नहीं खा रहे कि हमें इतना तो नसीब में है हमारे कि जब हम खा सकते ये सब तो दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ ग्रेटिट्यूड यू कैन टीच योर चाइल्ड ऑल्सो कि आप अपने sure, बच्चों को sure, सिखा yeah. सकती है थैंक यू वेरी मच थैंक यू थैंक यू सो मच सो यस सोनामान गोरख महाजन गोरख महाजन हाँ, हाँ, ना यस यस यू वेरी मच फॉर युअर ग्रॅटिट्यूड सब्जेक्ट ही वास्ट आहे येस होती कोर इंडिया ऑफ ह्युमन बीइंग्स लाईफ बिकॉज ग्रॅटिट्यूडमुळे आपल्याला म्हणजे इनर सुद्धा आपले uh, ज्या मायन्यूट मायन्यूट ज्या नर्स असतात त्या सुद्धा फ्री होतात ग्रॅटिट्यूड एक्सप्रेस केल्याने आपलं फिजिकल आणि मेंटल जसं तुम्ही सांगितलं हे दोन्ही फ्री होत आणि याच्याने आपल्याला जेव्हा आपण फ्री होतो तर ऑटोमॅटिकली आपल्याला हॅपीनेस आणि सॅटिस्फायझॅक्ट जेव्हा आपण एखाद्या बद्दल ग्रॅटिट्यूड व्यक्त केला आणि तुम्ही त्या काही आता एक्सरसाइज दिल्या डोळे बंद करून एक्सरसाइज केल्यात आम्ही आता ट्रॅव्हलिंग करतोय चार पाच लोकांचा ग्रुप आहे सगळे जण ऐकत होतो परंतु मध्ये रेंज मुळे म्हणा किंवा आम्ही साईट विजिट करतोय त्याच्यामुळे मला थोडं डिस्टर्ब होत होतं तेवढं कॉन्सन्ट्रेट नाही करता आलं पण अतिशय छान प्रेझेंटेशन तुम्ही हिंदी मध्ये खूप छान कारण हिंदी मध्ये एवढं फ्लुएंटली हिंदी बोलणं थोडस हो सर थोडं अवघड जातं त्या गोष्टी हा 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 इथे खूप छान डिलिव्हर केलं महत्वाचा विषय पूर्ण कॉन्सन्ट्रेशन ऐकू शकलो नाही परंतु अपडाऊन अपडाऊन होते परंतु आम्हाला कळावं नाही वाटलं आम्ही थैंक यू थैंक यू वेरी मच सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका uh, oh. सुनील सर आप कुछ कहना चाहते हैं थैंक यू थैंक यू वेरी मच सर मैं भी आपका दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी ओके और किसी के क्वेश्चंस है कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो आप खुद को अनम्यूट कर सकते हो और मुझे पूछ सकते हो एनीबॉडी वॉन्ट टू आस क्वेश्चन क्वेश्चन आई है वन क्वेश्चन आई वु रिक्वेस्ट यू यू है Okay. जल्दी हम वो भी करेंगे हम ग्रेटिट्यूड का सेशन आसामी परिवार में भी रखेंगे हम सो थैंक यू वेरी मच फॉर अप्रीसी थैंक यू वेरी मच निधि मैम अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं माइक आपको हैंड ओवर करती हूँ जी मैम पार्टिसिपेंट्स में से कोई और क्वेश्चन कुछ पूछना चाहता है किसी के पास कोई क्वेश्चन है? गौरी, यस yes, भाभी, कुछ क्वेश्चन है? नहीं हम एक्चुअली पूरी तरीके से नहीं आईएसली ये चीज़ तो है कि हम डे टू डे लाइफ में जो चीज़ें हम शायद छोड़ दे रहे हैं पीछे, जो yes. हम याद में नहीं रख पा रहे हैं वो वो सारी चीजें मैम ने इतने अच्छे तरीके से समझाया और शायद हमें रिमाइंड कराया वो पुरानी चीजें जो कल्चर है हमारा जो पहले चलता था और जो अब नहीं होता है वो सारी चीजें मैम ने हमें वापस से वही सारी चीजों में लेके गए उस वक्त में उसके लिए थैंक यू सो मच मैम थैंक यू थैंक यू वेरी मच हमारे बच्चे जो है हमें ऐसा लगता है कि कि आने वाला जो कल है या जो हमारा भविष्य जो हमारे बच्चे हैं वो हुँ। ये सारी चीजों से शायद बहुत दूर दूर तक मतलब उन्हें पहचान नहीं करवा पा रहे कहीं ना कहीं गलती हमारी है क्योंकि बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब हम जैसा करेंगे वो शायद हमें देख के सीखेंगे यस yes. जो हम नहीं कर रहे इसीलिए शायद वो नहीं सीख पा रहे हैं तो इसमें गलती कहीं ना कहीं हमारी है आ, बहुत बार मैडम क्या होता है कि आ, हमें काम में इतना उलझ जाते हैं कि दिद्द हमें खुद को सुलझना नहीं जमता है जी जी इतने उलझ जाते हैं क्योंकि हमने हैक्टिक, हमारा स्केड्यूल इतना हैक्टिक हो जाता है कि हमारा पूरा टाइम पर मतलब स्केड्यूल बना रहता है कि मुझे इस टाइम पर उधर जाना है इस टाइम पर उधर जाना है ये काम खत्म करना है वो काम खत्म करना पड़ता है और ये जो रिचुअल्स जो होते है ना कि डिनर के टाइम हमें प्रेयर करना चाहिए लंच के टाइम प्रेयर करना चाहिए सोते समय हमें प्रेयर करना चाहिए कि हे भगवान मेरा दिन अच्छा गया तो शायद कहीं ना कहीं हम ये मिस कर रहे हैं जी जी सही जी, बात है उनको नजरअंदाज कर यस यस नजरअंदाज करते हैं और अगर ये सारी चीजें हम कंटिन्यू करें अगर ये चीजें हम बोलेंगे उनको तो एक बार दो बार तो बार तो तीसरी से वो लगेंगे एग्जैक्टली एग्जैक्टली बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स और बच्चे तो बहुत बड़े नकलची होते है जैसे हम करते ना बिल्कुल वैसे ही करते है वो बहुत बड़े नकलची होते हैं वो जी जी वो है ना कहावत की गिली मिट्टी होती है जैसा yes. आप तो मतलब मतलब आकार आकार दोगे वो सेम वही वही में ढलेंगे एग्जैक्टली एग्जैक्टली मैम मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब आप वो प्रैक्टिस करोगे ना छोटी सी डायरी लेके आप बैठोगे ना तो बच्चा कहेगा मम्मी आप ये क्या कर रही हो तो आप उस समय बच्चों को बता सकती हो कि बेटा तुम भी एक डायरी ले लो और तुम भी मेरे साथ बैठो उसका हैंडराइटिंग कितना भी छोटा बच्चा हो इट्स ओके जैसा भी लिखे वैसे भी लिखे चलो कोई बात नहीं बट लिखो आप तो इसकी वजह से मतलब आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है फिर जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है मिसकम्युनिकेशन होता है आ, lack ऑफ इम्पति हम उसको बोलते हैं है ना तो ये बहुत सारी चीजें जो बचपन में ही होनी चाहिए थी जब वो नहीं होती है तो वो फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं फिर exactly. दूसरों को रिस्पेक्ट ना देना, दूसरों की ना सुनना, खुद की ही uh, मतलब सेल्फ सेंटर्ड सेंटर में रहना, तो ये सब लैक ऑफ ग्रेटिट्यूड होता है। सो so, मैम uh, और जी मैम और किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है। ओके चलिए मैम थैंक यू सो मच आपने इतना अच्छा सेशन हमारे साथ लिए हमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें सिखाए और आ, मतलब छोटी छोटी चीजों में कैसे थैंकफुल करना चाहिए सभी का आज हमें बहुत अच्छे से मतलब पता तो रहता है लेकिन अच्छे से समझ सके हम लोग आज इस सेशन से तो थैंक यू सो मच मैम आपने इतना टाइम हमें दिया और इतना अच्छा सेशन हमारे लिए अरेंज किए अच्छे से लिए हम बहुत कुछ चीज सीखे और बहुत कुछ चीजें हमारे ध्यान में आई है कि हमें आगे क्या करना चाहिए और, और, तो आज, आज हमार, और हमारे आज के जो गेस्ट जोन जो जो ऑफिसर डॉक्टर रुजुता मुंडा इतने बिजी शेड्यूल में भी वो हमारे साथ बने रहे एंड तक उसके लिए थैंक यू सो मच भाभी और हमारे

यस yes, सर शेयरिंग था एक शेयरिंग था मैम जी मैम जी सर बोलिए सर प्लीज हेलो यस मैम गोरख महाजन बोल रहा हूँ हाँ, ऑडियंस है ऑडियंस फ्रॉम महाराष्ट्र और आउट ऑफ महाराष्ट्र इस प्रोग्राम के ऑडियंस audience... जी सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं है सर महाराष्ट्र से है सर महाराष्ट्र से चंद्रपुर चंद्रपुर

I will do. Because I think most of the audience are from Maharashtra and Marathi. So they will connect uh, properly. Yes, yes, definitely sir. Next okay, time we you. will thank do in Marathi sir. You. Thank, you. thank you. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Okay. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you, ma'am. Can we end this meeting? Yes, yes. Thank you, everyone, for joining. Bye Thank bye. Thank you, everyone. Thank you. Gracias.